हेलो, गुड इवनिंग चेंज मेकर्स। आप सभी का स्वागत है स्टेप एड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे। जो लोग हमारे साथ सीधा जूम से जुड़े हैं और जो लोग यहाँ पे यूट्यूब लाइव से जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। उसके साथ ही आज हमारे साथ स्टेप एड इंडिया से दो मेंटर हैं, विवेक कुमार एंड विनय कुमार, तो मैं उन दोनों का भी स्वागत करती हूँ। एंड एकलव्य से हमारे साथ स्मिता जुड़ी है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो गाइज, ये जो पूरा सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है रिगार्डिंग द गांधी फेलोशिप के सेकंड राउंड के लिए। बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे आप लोगों के, सो वी थॉट कि हम एक सेशन ही प्लान कर ले। तो ये पूरा सेशन आप एंड तक देखिएगा। पूरे सेशन में लॉजिकल रीजनिंग से लेकर केस स्टडी कैसा आप कर सकते हैं सॉल्व, उसके साथ ही फाइनल पैनल इंटरेक्शन कैसे होगा, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। एंड आप एंड तक सेशन में बने रहिए, क्योंकि ये सेशन हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं एंड उसके बाद ऐसा कोई सेशन हम कंडक्ट करने का नहीं सोच रहे। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एंड तक बने रहिए सेशन में, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, स्टेप एड इंडिया का आपको यूट्यूब चैनल दिखाई दे रहा है, राइट। तो मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं कि स्टेप एड इंडिया चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट है, जहां पर जाकर आप डायरेक्ट पूरी गांधी फेलोशिप की पूरी जानकारी आप वहां से देख सकते हैं। इधर उधर ढूंढने की या फिर सर्च करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा रिगार्डिंग द गांधी फेलोशिप। तो उससे जुड़ी जो भी प्रिपरेशन है, हमने अलग अलग फेलोज भी टॉक किया है, रिक्रूटमेंट टीम के साथ हमने बातचीत की है, जो फेलोज ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनके भी कुछ अगर एक्सपीरियंस है उन्होंने वो भी शेयर किया है। एंड गांधी फेलोशिप से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको जो यूट्यूब है वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, एंड जूम पे भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देन मैं अभी चाहती हूँ कि जो लोग हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं उनके अगर सेशन से रिलेटेड कोई एक्सपेक्टेशंस है या फिर क्वेश्चंस है वो पहले बता दे। आप अनम्यूट करके, पहले हैंड रेज करके अनम्यूट करके बता सकते हैं, या फिर जो यूट्यूब से जुड़े हैं वो लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में आप अपने क्वेश्चन शेयर कीजिएगा, देन उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जूम से जो लोग जुड़े हैं वो बात कर सकते हैं अनम्यूट करके। किसी का कोई क्वेश्चन है? यस यस क्या हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि मेरा सेंटर बनारस पड़ा है BHU में जी, और मैं रहता हूँ इधर अलीगढ़ हाथरस के साइड में, तो क्या इसका चेंज हो सकता है क्या? ओके, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। आप बने रहिए सेशन में। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन है? एक एक क्वेश्चन और जी। हाँ, दूसरा ये कि जो उसमें वो होगा क्वेश्चन होंगे जो तो रिटन जो टेस्ट होगा, तो उसमें जो सिलेबस रहेगा तो वो कहाँ से देंगे, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन देंगे? ठीक है, तो इसके पूरा इसका जो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का सेम ही क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आपको ड्यूरिंग द सेशन ही मिलेगा। आप बने रहिए, एंड तक बने रहिए, आपको पूरा सेशन का जो जो भी होने वाला है पूरा सेशन उसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? तो जब तक क्वेश्चन आता है तब तक मैं और एक चीज आपको बता दूं। जैसे स्टेप एड के बारे में मैंने प्लेलिस्ट के बारे में आपको बता ही दिया है, बट और भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी। हमारा एवरी संडे मेंटरशिप सेशन होता है, ठीक है। एवरी संडे 11 AM मेंटरशिप सेशन होता है हमारा फिक्स। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जूम पे भी मिल जाएगा एंड यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द फेलोशिप, गांधी फेलोशिप के रिलेटेड भी और बाकी अदर्स फेलोशिप के रिलेटेड भी, आप वहां से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वहां पे मेंटर्स होते हैं, आपको पूरा आंसर करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं उसमें। उसके साथ ही हम ये सेशन खत्म होने के बाद, मतलब कल से मॉक इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर रहे हैं गांधी फेलोशिप के लिए, जो फाइनल मॉक इंटरव्यू रहेगा। तो जिनका भी इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है गांधी फेलोशिप पैनल की ओर से, वो लोग फॉर्म फिल कीजिए, हम फॉर्म शेयर करने वाले हैं। फॉर्म फिल करके आप मॉक इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं विद स्टेप बाय स्टेप,
ठीक है, एंड देन आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया जाएगा। आपकी जो भी क्वेरी है, आपको लगता है कि संडे का सेशन आपने मिस आउट कर दिया, या फिर इस सेशन में भी आपके कुछ डाउट क्लियर नहीं हो पाए, या फिर कोई और भी क्वेश्चन आता है, तो उस नंबर पे आप वो नंबर सेव कीजिएगा अपने फोन पे, एंड उस नंबर पे आपका जो भी क्वेश्चन है आप पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर टू फोर थिंग्स। फर्स्ट, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। दूसरा, संडे में मेंटरशिप सेशन होता है, ठीक है। थर्ड, हम मॉक इंटरव्यू अरेंज करवाने वाले हैं, आप फॉर्म फिल कीजिएगा। फॉर्म आपको जूम पे भी मिलेगा एंड यूट्यूब लाइव पे भी मिल जाएगा, एंड कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए, और किसी का कोई डाउट है? कुछ क्वेश्चंस आप अगर यूट्यूब पर जुड़े हुए हमारे साथ तो वहां पे भी पोस्ट कर सकते हो। बेसिकली सरस्वती का कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे, बाकी इस पूरे सेशन को हम लोग बहुत ही सिंपल और बहुत इन डेप्थ रखेंगे। मतलब अगर आप आसान भाषा में भी समझ सकते हो, आपका होने वाला सेकंड राउंड है, अगर आपका नहीं भी होने वाला तो कुछ दिनों बाद होगा सेकंड राउंड में, तो फाइनली उम्मीद करते हैं कि आप जाएंगे। तो आप यहाँ पर भी एक चैट बॉक्स है जूम पे जो जुड़े हुए हैं, और कमेंट है, कमेंट बॉक्स है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका शायद रीजन हो सकता है कि आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, फिर आप कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ ओनली सब्सक्राइबर्स है, कई बार स्पैम कमेंट आ जाते हैं। तो वहां पे आप क्वेश्चंस डालते रहिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, क्वेश्चन हम पहले ले लेंगे, पूरा समझ लेंगे, फिर एक एक स्टेप आपके घर से, मतलब सेकेंड राउंड में आप समझ लीजिए कि आपके घर से निकलकर सेंटर तक पहुंचने और सेंटर से वापस घर तक पहुंचने का पूरा जो भी आपके इश्यूज हैं, उन सबकी चर्चा करेंगे हम लोग इसमें। तो थोड़ा लंबा सेशन जरूर होगा, बट आई थिंक वो पूरा कैटर करेंगे, तो आप क्वेश्चन अपने डाल सकते हो, हम लोग वो ले सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस देख पा रही हूँ यहाँ पे भी, मैं लाइव पे भी क्वेश्चन देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है। कोई बोल रहा है कि वर्किंग के लिए होम स्टे मिल सकता है क्या, एक आई थिंक चैताली है वो पूछ रही है। देन एप्टीट्यूड टेस्ट के टॉपिक्स पूछ रहे नीति, ठीक है। ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा, समाधान पूछ रहे, प्रेजेंटेशन के रिलेटेड ही क्वेश्चन है एंड होम स्टे के रिलेटेड। तो आपके क्वेश्चंस के आंसर हम करेंगे आगे। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस, अभी जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमने जान लिए सेशन के लिए, एंड देन अभी मैं स्मिता को इनवाइट करती हूँ, क्योंकि ये जो पूरा सेशन है वो एकलव्य एंड स्टेपहेड टीम के कोलैबोरेशन में हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो स्मिता, आप भी थोड़ा बता दीजिए। यस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो माइसेल्फ, मेरा नाम स्मिता है और मैं अभी एकलव्य इंडिया फाउंडेशन के साथ एज अ को फाउंडर एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेंटरशिप प्रोग्राम हेड के तौर पर कार्यरत हूँ। और एकलव्य इंडिया फाउंडेशन एंड स्टेपहेड इन कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं। एकलव्य के बारे में अभी बताना चाहूंगी आपको कि एकलव्य इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हायर एजुकेशन प्रमोट करने के लिए काम करती है और ग्रास रूट लीडर्स इनेबल करने के लिए भी काम करती है। स्पेसिफिकली जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से आते हैं, उनके लिए हमारे इंटरवेंशंस है, मेंटरशिप प्रोग्राम्स जैसे अंडर ग्रेजुएट मेंटरशिप प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट मेंटरशिप प्रोग्राम एंड फेलोशिप सेल्सो, जैसे फेलोशिप के लिए हम अभी स्टेपहेड के साथ पार्टनरशिप में अभी काम कर रहे हैं। मैं पार्टनरशिप के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, हम मल्टीपल सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और मेंटरशिप भी करते हैं हर फेलोशिप के लिए। आपको अगर अपडेट्स या मेंटरशिप चाहिए होगी तो आप चैनल्स या सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और इस पार्टनरशिप का मैं आपको ये मोटो बताना चाहती हूँ कि जो सोशल सेक्टर है, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर है, तो उसमें हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं, एक इंक्लूसिवनेस लाना चाहते हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ने के साथ साथ जो भी जो फर्स्टली अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उनको मेंटरशिप करके उनको आगे लाने का और अपने नेशन के डेवलपमेंट में यूथ को मेंटर करके और उनका कंट्रीब्यूशन लाने का एक प्रयास है। और आगे भी ऐसे सेशंस मेंटरशिप होते रहेंगे। सो हमारे टारगेट ग्रुप्स है फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और जो भी आज सेशन के लिए जुड़े। थैंक यू सो मच स्मिता।
तो अभी जो सेशन एक्चुअली हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। उसके रिगार्डिंग मैं विवेक सर को, जो कि हमारे स्टेप एड इंडिया के मेंटर है, उनको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप अपना जो टॉपिक है उसके रिलेटेड गाइडेंस दे दें। ओवर टू यू। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा बस मैं शुरुआत में एक कुछ चीज जोड़ूंगा, मतलब लॉजिकल रीजनिंग और उससे पहले भी। तो आपके कुछ कॉमन सवाल है, क्योंकि आई थिंक हो सकता है जिनके कॉमन सवाल है वो लास्ट तक ना जोड़े रहे हैं। पहला सवाल आया है कि आप जो मेंटरशिप देते हो वो फ्री में देते हो या उसका पैसा लगता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा सवाल है। तो अभी तक जो है वो हमारा मेंटरशिप, जैसे सरस्वती ने चार चीजें कही, पहला तो एक प्लेलिस्ट है जो गांधी फेलोशिप के नाम से बनी हुई है, उसका लिंक अभी आपको यूट्यूब पे भी आ जाएगा और इस जूम पे भी आ जाएगा। उस प्लेलिस्ट में करीब 20 से 25 वीडियोस हैं, पिछले 2 साल से सारे गांधी फेलोज और जो उनकी टीम है उन सबके साथ, पहला तो वो है। सेकंड हमारा है कि जो संडे सेशन जो सरस्वती जी बता रही थी कि 11 बजे संडे सेशन होता ही होता है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। थर्ड है कि हम मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। और फोर्थ है कि आपको एक नंबर, डेडिकेटेड नंबर आपको फोन नंबर दिया हुआ है, उस फोन नंबर के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। तो अब हम आते हैं सेकंड राउंड पे। तो इसका कोई फीस नहीं है, पहला तो ये कि इसका कोई भी फीस नहीं है। और जैसा स्मिता ने कहा कि एकलव्य और स्टेपर दोनों का पर्पज यही है कि इस पूरे के पूरे सेक्टर में हम एक इंक्लूजन ला पाए, यानी ऐसे बच्चे जो गांव से आते हैं, टीयर टू सिटीज से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, भले ही वो छोटे शहरों से आके दिल्ली या वहां पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा पहले तो जानकारी नहीं होती, जानकारी होती भी है तो कैसे उसका इंटरव्यू फेस करना है, कैसे एग्जाम देना, वो सब नहीं पता होता। तो हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग भी खुद फेलो रह चुके हैं, जैसे हम तीनों अगर यहाँ पे हैं तो हम तीनों गांधी फेलो रहे हैं पहले, और हम अभी भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके काम करते हैं। तो गांधी फेलोशिप का अगर मैं समराइज करूं, नंबर वन, एप्लीकेशन कैसे भरे, उस पर एक वीडियो है जो आप, मतलब एक पूरा सेशन है 1-1 घंटे का, जिसमें आप समझ सकते हो कि एप्लीकेशन में आपको क्या क्या चीजें भरनी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आप एप्लीकेशन के क्वेश्चन भरोगे। सेकेंड है, जब आप एप्लीकेशन भर, क्योंकि आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए तभी आपका नेक्स्ट राउंड के लिए इंटरव्यू के लिए आएगा, तो एप्लीकेशन में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके लाइफ के बारे में, दूसरा क्वेश्चन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो उन दोनों के बारे में ही आपको डिटेल में बताया गया है। फिर भी मैं 2 लाइन में अगर ब्रीफ करूं तो वो ये समझना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे स्टेज आए हैं जिसमें कि आपको कुछ चैलेंज आया हो, तो आप खुलकर वहां शेयर करें, ठीक है। और दूसरा, आप जो अब 2-3 चीजें आप देख लें, पहले तो गांधी फेलोशिप के बारे में अच्छे से पढ़ लें, पूरे प्रोसेस के दौरान आपको हेल्प करेगा। दूसरा, आप अपने बारे में डिटेल में लिखें, जैसे आप कहाँ से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके फैमिली में लोग क्या करते हैं, आपने कितना स्ट्रगल किया है वहां तक आने में, आपने कोई छोटा मोटा इनिशिएटिव भी लिया हो, चाहे गांव में बच्चों को पढ़ाने का, चाहे कोविड में किसी को हेल्प करने का, चाहे कॉलेज लेवल पे, चाहे एनएसएस में आप पार्ट रहे हो, एनसीसी का पार्ट रहे हो, जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वॉलंटियर चीजें हैं, उनको ज्यादा हाईलाइट करना है आपको, ठीक। फिर जब फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू आपका होगा, जो कि आप में से ज्यादातर लोगों का हो चुका है, जस्ट ब्रीफ में अगर करूं तो उसमें बेसिकली आपसे आपके एप्लीकेशन में जो लिखा हुआ है उसी से सवाल पूछेंगे कि आप क्यों आना चाहते हो, आप अपने बारे में बताओ, वो एक आप ब्रीफ प्रिपेयर कर लो, क्यों आना चाहते हो, उसके बारे में कुछ स्ट्रांग रीजन हो, जैसे कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप आने वाले समय में इस फेलोशिप को कैसे यूटिलाइज कर पाओगे, यानी आप अपने करियर के लॉन्ग टर्म गोल में कैसे इसको आप देख रहे हो। एंड थर्ड और फाइनली ये होगा कि कुछ कुछ चीजें आपको एज अ केस स्टडी पूछेंगे कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, वैसे सिचुएशन में क्या करोगे, उन सब चीजों के साथ आपको रेडी रहना। अब आते हैं फाइनली हमारा सेकेंड राउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड राउंड में 4 चीज है। नंबर 1, आपका पहला तो सवाल ये रहता है कि भाई हमारा ऑनलाइन होगा या फिजिकल होगा। तो लास्ट ईयर तक ऑनलाइन था, मतलब 2 साल पीछे कोविड की वजह से, इस साल उन्होंने फिजिकली रखना शुरू किया है। अब फिजिकल होगा तो कहाँ पे होगा, फिजिकल होगा तो आपका नियर बाई जो स्टेट है, जैसे आप अगर यूपी में रह रहे हो तो नियर बाई हो सकता है कि कई बार वो एएमयू में करवाते हैं, नहीं तो लखनऊ करवाएंगे या बीएचयू करवाएंगे, या दिल्ली के आप कुछ ऐसे दिल्ली के नियर बाई एरिया से हो यूपी में तो वो दिल्ली करवाएंगे। सिमिलरली हर स्टेट में जाता है। तो अब जैसे एक सवाल अभी आया था कि पहले टीम ने आपको अलॉट कर दिया है, आप किसी दूसरे स्टेट को दूर कर दिया है, या आप कहीं ट्रेवल करके दूसरी जगह रह रहे हो, आपने डाला था कुछ और, तो आप टीम से कनेक्ट करो, आप उन्हें बताओ कि सर मैं यहाँ पे हूँ,
तो मेरे नियर बाई कुछ और जगह पर, जैसे कि आप अगर अलीगढ़ हो तो आपके नियर बाई दिल्ली पड़ेगा, तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर दिल्ली में अगर आप मुझे इन्वाइट कर दें तो मेरे लिए बेहतर होगा। बट ये चीज़ रेगुलर आपको मेल पे और उसके बाद कॉल के थ्रू उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो आपको कर देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, आपको पहुंचना है। अब आते हैं कि जब आपका लोकेशन तय हो गया तो आपको पहुंचना है। पहुंचने से पहले कुछ चीज़ों को आप इंश्योर कर लें। पहला कि आपका प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस हो। ड्रेसिंग सेंस का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर फॉर्मल हो, बट आपका आपकी आप प्रेजेंटेशन अच्छी हो आपकी, ठीक है। आप अगर सेविंग प्रीफर करते हैं तो सेविंग वगैरह करके अच्छे से कटिंग वटिंग प्रॉपर अच्छे कपड़े पहन के फॉर्मल्स आप वहां पर जाएं, ताकि ये शो हो कि आप सीरियस हैं उस प्रोग्राम के बारे में। फॉर्मल का मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोट पैंट मैंडेटरी है, लेकिन आपके पास जो भी एक फॉर्मल सेटअप है कुछ अच्छे आप जिससे आप अच्छे लगें वो करें। सेकेंड चीज़ है कि आपको डॉक्यूमेंट आपके अच्छे से रखने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स और उनका एक या दो कॉपीज आप फोटो स्टेट लेके जाओगे जहाँ पे उन्हें आप दिखाओगे, और अगर उन्हें जरूरत होगा तो आप ले लेंगे आपसे। थर्ड चीज आपको ये करना है कि आपको पूरे दिन के लिए अपने आप को बुक करना है, मतलब मॉर्निंग में जाओगे और इवनिंग में आओगे, इसी माइंडसेट के साथ वहां पे जाना है। भले ही आपको फर्स्ट हाफ में छोड़ दें सेकंड हाफ में, बट आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मॉर्निंग में जाना है और इवनिंग में आना है। थर्ड चीज ये होगा कि अगर आपके पास कुछ जैसे स्मार्टफोन है, टैबलेट है, अगर लैपटॉप है और कैरी कर सकते हैं तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन वगैरह वहाँ बनाना रहेगा। हालांकि नहीं भी ले जाएंगे तो ऐसा मैंडेटरी नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर है तो प्रिफरेबली आप ले जाएंगे। एक डायरी और नोटबुक, पेन, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इन सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। आपका डायरी पेन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जो असाइनमेंट दिया है वो उस असाइनमेंट को आप अच्छे से वहाँ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आपके पास कुछ अगर आपका बना हुआ है, आपका अगर पोर्टफोलियो है, जैसे आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो तो अपने कुछ पेंटिंग्स आप रख सकते हो। जैसे आप कुछ कुछ क्रिएट करते हो, आपने जैसे म्यूजिक क्रिएट किया है, कोई फिल्म बनाया है, कुछ और स्ट्रक्चर है, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता हो कि आपका प्रोडक्ट है, आपका बनाया हुआ है, आपकी एक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी है, एक्टिविटी है और उनको दिखाई जानी चाहिए, आप उसको अपने साथ कैरी करें, ठीक, ताकि वो वहां पर देख पाए। फिल्म में आप म्यूजिक है वो सब बताओ, पेन ड्राइव में ले सकते हो, फोन में ले सकते हो, बट ट्राई टू बी वहां पे। अब सवाल आता है लैंग्वेज का। तो जैसे कि शुरुआत से हम लोग ये आपको बताते आते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन से लैंग्वेज बैरियर कोई नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। कुछ जो रीजनल लैंग्वेज हैं जैसे मराठी है, बांग्ला है और वो सब है, मोस्ट प्रीफरेबली तो ये होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश अगर आता है तो अच्छा है। अब इंग्लिश का जो बात है वो इंग्लिश ये है कि इंग्लिश आपको बेसिक तो आना चाहिए। आप फेलोशिप में जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको रिपोर्ट्स वगैरह उसमें बनाना है। लेकिन अगर अभी नहीं आता है, बोल नहीं पाते हैं, उसकी वजह से अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, या फिर ऐसा आता है कि उसमें अच्छी तरीके से अपने आपको प्रेजेंट नहीं कर सकते फिर भी बोल रहे हो, वैसा नहीं करना है। हिंदी में कम्युनिकेट करो, कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट करो। मराठी के लिए आप जब वहां जाओ तो देख लो, मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जो इंटरव्यूअर हैं वो उसी रीजन से बिलोंग करते होंगे, तो आप मराठी में भी उनसे आप पूछ लो कि सर कैन आई स्पीक इन मराठी, आई एम कंफर्टेबल इन बांग्ला स्पीकिंग इन मराठी। पूछने में कोई बुराई नहीं होती, ठीक है, तो आप उनसे पूछ के अपने आप को कम्युनिकेट कर सकते हो वहां पर, ठीक। तीसरी चीज या चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखना है कि आपके पास जो भी झिझक, शर्म या डर है उसको घर पे छोड़ के जाना है। वहां पे आप एक दिन के लिए जा रहे हो तो वहां पे एक दिन के लिए आप इंटरव्यू जैसा कुछ, कंपनी जैसा यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं, उन दोनों में डिफरेंट है। ये जो इंटरव्यू है वो आपका इंटरव्यू है कि आपको वो अंदर से जाने, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप इंटरव्यू देने गए और वहां पे उन्होंने कुछ एक्टिविटी कराया, एक सर्कल में बिठाया आपको, कुछ बाल गीत हो रहा है, चेतना गीत हो रहा है, कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं और आप सहमे सहमे से बैठे हुए हैं, आप एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको कोई चेतना गीत बाल गीत आता था, कोई एक्टिविटी आता था आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी, लेकिन आपको लगा कि अरे यार मैं तो फॉर्मल हूं, मैं नहीं करता हूं, तो आपने नहीं किया, राइट। हाँ, डॉक्यूमेंट भी ले जाना है, तो उस चीज के लिए आपको ओपन रखना है अपने आपको, ठीक है। अपने आपको ओपन करके आप वहां जाइए, ओपनली वहां चीजें शेयर करिए। आपको सॉन्ग आता है, आर्ट आता है, कोई भी चीज आता है, तो अगर वो बोल रहे हैं कि भाई कौन शुरू करेगा, या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, कोई अपना एक्टिविटी शेयर करे, तो ओपनली आप जाइए वहां पे, मतलब आप अपने आपको वहां पे एक्सप्रेस करना है। और लास्ट चीज जो फिफ्थ पॉइंट है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपके स्पेसिफिक रीजन का कुछ है, आपके यहाँ का कुछ फोक है, आपके यहाँ कुछ कुछ भी जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं,
उनको अगर आप वहां तक प्रेजेंट कर सकते हो, ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपको चांसेस ढूंढने होते हैं, आपको मौके ढूंढने होते हैं। अल्टीमेटली वो पूरा दिन आपकी पिच है, यानी आप पिच कर रहे हो अपने आपको कि भाई मैं आपके लिए बेस्ट कैंडिडेट हूं। तो उस पिच में आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, आपका एक्साइटमेंट पूरे दिन जो भी एक्टिविटी हो रहा है, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन होगा, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे कुछ भी हो, आपका एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए। भले ही कुछ कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। और सेकंड, कि आप उनको प्रिपेयर्ड दिखने चाहिए, राइट? प्रिपरेशन क्या होगा? अच्छे से आप फेलोशिप के बारे में पढ़ो, अच्छे से अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करो, अच्छे से आप अपना जो एप्लीकेशन भरा था उसका प्रिंट करके ले जाओ अपने रेफरेंस के लिए कि आपने उसमें क्या भरा है, डिटेल क्या दिया है। और उससे भी अच्छे से आप अपनी तैयारी करके जाओ, ठीक है, कि आपको आंसर क्या करना है। क्वेश्चन हम लोग अभी बताएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के भी ऑलमोस्ट उसी तरह क्वेश्चन आएंगे, प्रेजेंटेशन का भी क्वेश्चन हम लोग आपको बताएंगे, ऑलमोस्ट उससे सिमिलर ही आएगा कुछ ना कुछ। और आपको फाइनली हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ तक आई थिंक सारा कवर है। अगर कुछ सरस्वती किसी का और अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा हो बीच में तो आप हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो फिर अब लॉजिकल रीजनिंग के साथ शुरू करेंगे। Yes, before that we can take a one question from what is panel interaction. आपको एक एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके और सारी चीजें बता दी कि हम कहाँ से चीजों को स्टार्ट कर रहे होंगे, कहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर रहे होंगे और उस फॉर्म में जो आपके ऐसे क्वेश्चन है वो आप कैसे कर रहे होंगे। उसके साथ साथ मेजरली सबसे ज्यादा जो एक फेलोशिप के बारे में बात की जाए तो उसके स्टेजेस पे बात कर लेते हैं पहले के, उसके बेसिकली स्टेज कर रहे थे, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेजरली फेलोशिप जो है वो चार स्टेजेस में, आज अभी गांधी फेलोशिप वाले जो है रिक्रूटमेंट तो चार स्टेज में कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज पैनल इंट्रैक्शन, सेकंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड थर्ड है जो आपका केस स्टडी, ग्रुप प्रेजेंटेशन और ग्रुप डिस्कशन हो रहा होगा वहां पे, और उसके बाद फाइनली आपका पर्सनल इंटरव्यू हो रहा होगा। बट ये दो राउंड में हो रहा था, राउंड वन एंड राउंड टू। तो राउंड टू, राउंड वन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैनल इंटरेक्शन है जिसमें आपसे आपके बारे में आपसे बातचीत हो रही है, आपसे कुछ बेसिकली आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है उससे आप कितना एग्री करते हैं और आपका क्या विजन है, क्या मिशन है फेलोशिप में आने के लिए। तो सिंपली वहाँ पे आपके जो भी पैनल में होंगे, जो आपके इंटरव्यूअर होंगे, जो आपसे बातचीत कर रहे होंगे, वो सिंपली आपके बारे में बहुत नॉर्मली जानना चाहेंगे कि आपका क्या एम है, कैसे यहाँ तक आने के लिए क्या सोचते हो और आपके आगे का लॉन्ग टर्म कैसे देख रहे हो, फेलोशिप आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों। इसके लिए आप डेफिनेटली, अभी सरस्वती ने बताया, स्टेप एड के मेंटोर से और स्टेप एड से आप कनेक्ट होंगे, तो वहां पे आप वन ऑन वन मेंटोरशिप की ये चीजें जान रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि कैसे आप पैनल इंटरेक्शन से को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं और किसे आसान शब्दों में अपने जो भी आपका इंटरव्यूअर हो उसे समझा सकते हैं। एंड देन सेकंड स्टेज इज होता है, सेकंड राउंड जो, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा आप सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे और बहुत के सर ये वाला सेशन करवा दीजिए कि ऐसा कुछ होने वाला है सेकंड राउंड में, लॉजिकल रीजनिंग या जनरल एप्टीट्यूड या फिर केस स्टडी कैसे लिखेंगे, वहाँ पे प्रेजेंटेशन हम कैसे तैयार करना, ऐसे बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे। तो जो सेकंड राउंड है वो सिर्फ वन डे प्रोसेस है, एक दिन का प्रोसेस है ना। अभी तक पिछले हमारे बैच, जैसे मैं बैच 12 से हूँ, 16 से अभिनय सर यहाँ 9 बैच हैं, तो सारे बैचों के कंपेरिजन में यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे दो राउंड कर दिए, राउंड वन जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ पैनल इंटरेक्शन होगा। अभी आप, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनका ऑलरेडी राउंड वन क्लियर हो चुका है या फिर बहुत सारों का आने वाला है उसके लिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप पैनल इंटरेक्शन को फेस कर रहे होंगे। राउंड टू इसमें आप तीन स्टेज में काम कर रहे होते हैं, बट ये एक दिन का पूरा प्रोसेस होगा। आप वहां जाओगे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको बुलाया जाएगा 9:30 to 10, तो वहां पे सबसे पहले आपका एक स्टेज होगा जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड करके आपको मेल आ रहा होगा या फिर लॉजिकल रीजनिंग, जहां जनरल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक। उसके साथ फिर आपको एक टॉपिक के ऊपर आप जो अपनी तैयारी करके आ रहे होगे, वो टॉपिक आपको 24 आवर पहले या 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले, एक या दो दिन पहले आपको उसी मेल पे एक टॉपिक दिया जाएगा। उस टॉपिक पे आप अपनी तैयारी करके आएंगे और उसके बाद जब, जिस दिन आप सेकंड राउंड के लिए जहां आपको बुलाया गया, जो आपकी बेस्ट लोकेशन होगी, उस लोकेशन पे आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे और अपने ग्रुप के सामने उसका प्रेजेंटेशन होगा आपका। देन आपका प्रेजेंटेशन आपका होने के बाद फिर आपका पर्सनली आपका वन ऑन वन इंटरव्यू होगा, जहां आप अपने बारे में डिटेल में उनको बता रहे होंगे।
तो ये कुछ दो राउंड है, इन दो राउंड को कुछ इस भागों में बांटा गया जो आपके सामने। लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एक सवाल रह रहा था कि सर बिकॉज जब डेवलपमेंट सेक्टर में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं हमारा एक रहता है कि हमें थोड़ा जनरल एम्पिट्यूड हो गया या रीजनिंग हो, इन सारी चीजों से हम थोड़ा हट जाते हैं ना, तो ये चैलेंज होता है कि हम कैसे इस चीज को और अपने लिए आसान बना सकते हैं, कैसे इसे कर सकते हैं, तो किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे या मैं देख रहा था आपके मेंटरशिप ग्रुप में देख रहा था, तो आज बेसिकली हम बहुत डिटेल में समझेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग के वहाँ लास्ट ईयर भी इन्होंने स्टार्ट किया, तो लास्ट ईयर के कुछ उस पैटर्न पे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आप समझ पाओगे कि आपके लिए कैसे आसान बना सकते हैं इस लॉजिकल रीजनिंग या जनरल एम्पिट्यूड के क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग में जो आपका एक सेकंड लॉजिकल रीजनिंग या फिर जनरल एम्पिट्यूड में कुछ इस प्रकार आपके टॉपिक्स होंगे, तो टॉपिक में जान लेते हैं आपको। मोर मलहम सिर आगे काली बोले हो तब लगा ले तान लान ले जी। तो आपको कुछ इस प्रकार टॉपिक आएंगे जिसमें आप मतलब करीब 8-10 टॉपिक्स होंगे, जिसमें आपका नंबर सीरीज होगा, अल्फाबेटिक सीरीज होगा, कोडिंग डिकोडिंग, आपने देखा होगा ऑड वन फाइंड आउट करने के लिए पूछे जाते थे, जैसे आपको तीन इमेज दी थी उसमें एक कॉमन है, एक ऐसी इमेज है जो डिफरेंट है, तो इस प्रकार के, या फिर कोई नंबर दे दिया जिसमें सारे नंबर तीन नंबर सिमिलर है फोर्थ नंबर डिफरेंट है, तो आपको डिफरेंट ऑड क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है, या फिर कोई फिगर। ठीक है, या आपको कोई एक डायग्राम दिया जाएगा, एक फिगर दिया जाएगा, एक पैटर्न दिया जाएगा जिसमें सारों में सिमिलरिटी होगी, एंड देन आप फाइनल में उसमें देख रहे होगे वो आप कैसे चेंज कर सकते हो, मतलब उसमें कौन सी ऐसा पैटर्न है जो नहीं होना चाहिए, तो आपको वो फाइंड आउट करना बोलो। एंड देन वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, इसको हम डिटेल में समझेंगे, कुछ टॉपिक्स हैं आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, इसी के अराउंड आपको सवाल मिलेंगे, और लास्ट जो फेलोशिप बैच 15 बैच 16 में जो सवाल आए थे वो कुछ इसी के अराउंड आए, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन ब्लड रिलेशन, जहाँ आपको संबंधों के बारे में पूछा जाता है कि आपके पिताजी का बेटे की लड़की का बेटा आपका कौन हुआ, इस प्रकार के कुछ ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपको सवाल मिल रहे होंगे। एंड देन एक पैसेज आएगा, बहुत जनरल पैसेज होगा, वो किसी भी टॉपिक को लेकर के हो सकता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस होंगे और उन 5 क्वेश्चंस पे आप कर रहे होंगे। देन लास्ट में कुछ इस बार क्या किया इन्होंने, जनरल एम्पिट्यूड करके नाम दिया, तो थोड़े से कुछ मैथ के सिंपल से मतलब प्रॉफिट लॉस या फिर बहुत अर्थमेटिक टाइप का रेशियो वाले सवाल आपको मिल सकते हैं वहां पे। इसके बाद कुछ जीके से, मतलब जनरल नॉलेज बेसिक, किसी का करंट से रिलेटेड कुछ चल रहा है, या फिर कोई भी जनरल अवेयरनेस का, कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बनडे एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में होता है उस लेवल का कुछ पूछा जाए, बट बेसिक आपको बहुत सारी चीजें वहां पे मिल सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो टॉपिक रहेंगे लेकिन वहां कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना समय होगा, ये सारी चीजें जान लेते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, आपका 30 क्वेश्चंस होंगे आपको। ठीक है, आपको जब आप जाओगे तो सबसे पहले आपसे बातचीत होने के बाद, एक लेवल का इंटरेक्शन होने के बाद, वहां पे आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को जब आप ओपन करोगे तो उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट देना होगा, उसके लिए आपके पास 30 मिनट होंगे और 30 ही क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली वो आपके जानना चाहते हैं आप कितना जल्दी कैसे सोचते हो और कैसे अटेम्प्ट करते हो चीजों को, तो 1 मिनट आपको मिल रहा होगा एक क्वेश्चन को सोल्व करने को, तो थोड़ा अपने इफिशियंसी और देखनी होगी कि आप कितनी जल्दी कर सकते हो और सही कर सकते हो, एक्यूरेंसी इफिशियंसी दोनों पे काम करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कोई रीजनिंग या फिर जनरल एम्पिट्यूड इतना कोई हार्ड एंड फास्ट या एडवांस लेवल का आएगा कि हम एक मिनट में एक सवाल भी नहीं करेंगे। आप लोग यदि कोई कंपटीशन और ऐसी चीजों से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत सारे वनडे कंपटीशन एग्जाम ऐसे हैं कि विद इन 30-20 सेकंड हमें करना पड़ा, बट ये तो एक मिनट दे रहा है, तो टाइम हमारे पास सफिशियंट है आई थिंक, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है हमें, डिटेल में थोड़ा सा जानना है और तो आराम से हम कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे हम लोग, बातचीत करेंगे कुछ सवालों के माध्यम से, एनी टॉपिक के अराउंड कुछ आपको सिंपल फॉर्मेट है जो मैं अभी स्क्रीन पे माध्यम से आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे, उसके साथ ही साथ जैसे सरस्वती ने आपको बताया मेंटोरशिप गूगल और इसका गांधी फेलोशिप के मॉक के लिए आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वैसे ही जो सारे लोग हम जो भी एस्पिरेंट मेंटोरशिप ग्रुप से जुड़े हैं, स्टेप हेड या ए क्लब के, तो हम लोग क्या करेंगे आपको सिंपल फॉर्मेट का एक क्वेश्चन सेट ऑफ फॉर्मेट देंगे, तो वो आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, सेम केस हम आपको इसी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा, जहां से आप अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं अपने आप को,
क्योंकि आपको समय मिल रहा है तो क्यों ना एक टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। उसके लिए आपको डिटेल में जाना तो यूट्यूब का भी वीडियो देख सकते, गूगल का मदद देखना, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि ऐसा जरूरत पड़ेगी। आज के सेशन से आपकी अंडरस्टैंडिंग इन सारे टॉपिक पर बन जाएगी, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बेसिक से सवाल आएंगे। ठीक है, मैं एक सेकेंड आपको कुछ सवाल दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन वहाँ आएंगे कैसे। जी तो अभी आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी एस्पिरेंट यहाँ जो हमारे साथ जूम मीटिंग पे है वो लोग डिस्कस कर सकते हैं इसके अराउंड। ठीक है ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जैसे सबसे पहले बताया था कि हम बात कर रहे थे नंबर सीरीज, है ना। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन पेपर में देख रहे होंगे एग्जाम्पल वन, जिसमें आपको बहुत सिंपल सा एक नंबर दिए गए हैं, उस नंबर में उन्होंने लास्ट टर्म पूछा है कि वो क्या हो सकता है। तो एक पैटर्न है नंबर सीरीज का, तो आप देखेंगे यहाँ सबसे पहले क्या दिया, 5 देन 6 देन 9 14 21। तो बहुत सारे आप में से लाइव जुड़ रहे हैं उनसे आप चैट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिएगा, तो मैं देख लूंगा क्या आंसर है। और जो हमारे साथ ऑलरेडी इसमें जूम मीटिंग में, तो वो आप हैंड रेज करके बता सकते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है, देन आप फिर मैं आपको इसका आंसर और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर सीरीज पर सवाल आएंगे कैसे और आप सॉल्व कैसे करोगे। क्विक कोई रेस्पॉन्स दे सकता है, हाँ बिल्कुल एमसीक्यू ही रहेगा बिल्कुल, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको चार ऑप्शन होंगे उनमें से एक आपका सही होगा। ठीक है, अमन का आंसर है 30, चिताली 30 और बाकी असमेंट भी दे सकते हैं 30, एंटरटेनर 30। थैंक यू सो मच, और भी आप लोग अपना अपना आंसर डाल सकते हैं। तो जो लोग चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार ही नंबर सीरीज के आपको सवाल मिलने वाले, कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं आएगा कि बहुत एडवांस लेवल का मैथ या एडवांस लेवल की रीजनिंग होगी बैंकिंग की जो हम ना कर पाए। चलिए तो इसे डिटेल में समझते हैं कि ये है क्या। देखते ही आपको बहुत सिंपल समझ में आ रहा होगा कि नंबर है और इस नंबर में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, कुछ 5 to 6 गया तो देखा एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, 6 to 9 गया देखते हैं कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, 3। आप देखोगे फिर 9 to 14 गया कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है, 5। तो एक पैटर्न इसमें बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, 5 से 6 जाता है तो 1, ठीक है, 6 से 9 जाता है तो 2, 3 सॉरी 6 से 9 जाता है तो 3 और 9 से 14 जाता है तो कितना, 5। तो आप देख रहे होंगे डिफरेंस कितने का है, 1 3 5। 1 3 5 कैसा है, ऑड नंबर, तो इसमें आप देखते जाएंगे ऑड नंबर का पैटर्न लगाते जाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 से 6 5 5 से 6 1, तो 1 हो गया तो 6 गया, उसके बाद 3 आता है ऑड नंबर, ठीक है, उसके बाद आपका 5, देन आपका फिर आपका कितना आता है 7, तो 14 से 21 7, 7 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है 9, तो 21 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस प्रकार के आपका नंबर सीरीज का सिंपल मिल रहा होगा और कुछ ज्यादा नहीं हो सकता है। नंबर सीरीज में एडिशन का मिलेगा आपको, जहां आपको जोड़ना पड़ेगा, जैसे 5 दे दिया, 10 दे दिया, 15 दे दिया, या फिर आपको सब्ट्रैक्शन दे दिया जाएगा, है ना, मतलब माइनस हो रहे होंगे उसमें नंबर, या मान लो दे दिया उसने 100 64 64 के बाद दे दिया और देन आपको एक और नंबर हटा दिया उसने स्क्वायर में 49, तो फिर आपको नेक्स्ट पैटर्न होगा। तो 3-4 प्रकार के नंबर सीरीज में सवाल बन पाते हैं। नंबर 1 आपका एडिशन हो रहा होगा, जोड़ के ऊपर हो रहा है, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, या 4 गुना हो रहा है या 3 गुना हो रहा है, तो आपके मल्टीप्लिकेशन में आपको आंसर करना होगा, 4th डिवीजन हो रहा होगा या तो नंबर का, एंड देन 2 पैटर्न और बनते हैं, एक स्क्वायर का एक क्यूब का। हो सकता है उस नंबर में स्क्वायर का पैटर्न लग रहा हो, मानो यहाँ 5 लगाया तो 25, 6 लगाया तो 36, 9 लगाया तो 81, तो ऐसा पैटर्न हो सकता है कि जिसमें स्क्वायर में इंक्रीज हो रहा हो या फिर क्यूब में इंक्रीज हो रहा हो, जैसे 8 लिखा हो, 27 लिखा हो, 64 लिखा हो, तो इस प्रकार आपको क्यूब में डिफरेंस मिलता है। तो इसी से ज्यादा आना नहीं है, और तो और बेसिक इसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन का ही आना है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर का पूरा पेपर मैंने बहुत अच्छे से देखा है और मुझे पता है, तो इससे ज्यादा वो पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास 30 मिनट है, उन्हें भी पता है कि हमें किस लेवल का एग्जाम कराना, ठीक है। देन सेकंड टॉपिक आता है अल्फाबेटिक सीरीज। जैसे ही नंबर सीरीज को हम कर रहे होते हैं, कुछ इसी प्रकार हम अल्फाबेटिक सीरीज को कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ पा रहे हो स्क्रीन पर, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा, तो यहाँ अल्फाबेट में क्या किया गया, ए, उसके बाद डी, उसके बाद जी, उसके बाद जे,
देन पूछा है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं प्लीज आपका सारे लोगों का जिसने ने भी आंसर दिया 30 सही आंसर था, पहले का आंसर है 30, ठीक है नेक्स्ट की चलते हैं और सेकंड वाले का क्या आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है सारे लोग ऐसे ही आंसर दे रहे होंगे, प्लीज सेकंड वाले का हम आंसर बताएंगे, अभी तक किसी ने नहीं दिया लास्ट कैन गेट। हाँ चुरू हम एक यूट्यूब पर क्वेश्चन आया कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं भी उन्होंने नहीं दिया, स्टूडेंट के कुछ स्क्रीनशॉट और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके माध्यम से डिटेल्स हैं पता है, हम में से ही बहुत सारे एस्पिरेंट ने स्टेप बैठ के एस्पिरेंट ने पेपर दिया था उसी बेसिस पे ही था, और लास्ट टाइम भी मैंने सेशन कराया था तो डेफिनेटली वो इसी लेवल का था, तो आप कर पाओगे। शुभम का आ रहा है एम, ओके गौरी केरम कह रही है के आंसर होगा, ठीक है अमन का आ रहा है इट्स नॉट विजिबल, ओके ठीक है देखते हैं अमन ये पॉसिबल होगा तो हम ठीक है एम, ठीक है बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो आंसर दे पा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा करोगे अपना। क्विक सेकंडों में आंसर आ रहा है, राजेश्वर का भी आया है ठीक है, तो ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली इसमें है क्या पैटर्न। तो अल्फाबेटिकल पे भी ऐसे ही आएगा, वो या तो कुछ नंबर बढ़ा रहा होगा या कुछ नंबर घटा रहा होगा, या फिर उसमें क्या हो सकता है वॉवेल होगा या फिर ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले क्या है आप देख रहे होंगे ए एंड देन डी एंड जी एंड जे, तो ए से डी तक जाने में कितना बढ़ रहा है वो एक या दो, तो ए से डी गया तो बी और सी दो का गैप है ठीक है, देन आफ्टर क्या करता है डी से जाता है कहाँ के लिए जी के लिए, तो डी के बाद क्या आता है ई एंड एफ कितने का गैप है दो का जी हो गया, जी के बाद कितने का है जे जाने के लिए एच एंड आई है, उसके बाद क्या आता है जे जे तक पहुंच गया, जे के बाद कितना है तो हम देख पा रहे हैं सब में क्या किया उसने दो दो का गैप से लिखा गया है ये पैटर्न। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा तो जे के बाद हम दो को ड्रॉप करेंगे तो जे के बाद क्या होगा के और एल, उसके बाद क्या आता है एम, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम। तो बहुत सारे एस्पेक्ट का सही है, जिनका के है तो आप देखिएगा प्लीज आपका आंसर जो है वो आएगा एम ठीक है। यहां तक मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा बिकॉज बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हैं और जो आंसर आ रहे हैं तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग आंसर कर पा रहे हो, और पूरी उम्मीद है कि वहां पर भी ऐसे ही कर लोगे। तो मतलब जो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस आते थे ना जब मुझे स्टेप एट के मेंटोर वाले आपके, तो मुझे लगता था पता नहीं स्टूडेंट को ऐसा लग रहा पता नहीं सर कौन सा मेरा एडवांस लेवल का मैथ आ जाएगा और मैं नहीं कर पाऊँ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही कर लोगे। जिनका एल है वो गलत है और एम इसका राइट आंसर ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ। बहुत सारे एस्पिरेंट का ये आ रहा है कि दिख नहीं रहा है सर, आई थिंक क्योंकि डॉक्यूमेंट शेयर किया गया सो डैट पॉसिबिलिटी यही है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं कोडिंग और डिकोडिंग की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके दो से तीन आ जाएंगे आपको बहुत आसानी से। तो ये सब नेक्स्ट सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ही है, जिसमें एक पैटर्न बनाया गया है कोड किया गया है और उसका हमें आंसर निकालना है। तो इसमें देख रहे होंगे आप दिया गया उसने ए बी पी, देन क्या दिया सी डी क्यू, थर्ड वन क्या है ई एफ आर, और पूछा फोर्थ इसके लेवल पे पैसेज पे क्या होगा ठीक है। तो कोई चैट बॉक्स में देख रहा हूँ बाकी लोग अपना अपना रिप्लाई दे, हाँ थैंक यू सो मच शुभम एंड राजेश्वर अमन वेरी नाइस तुलसीदास थैंक यू सो मच, काफी अच्छा कर रहे हो, सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं ठीक है। जीएचएस ओके ग्रेट। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को तो सब आ ही रहा है। चलिए ठीक है फिर भी हम लिख लेते हैं जो बाकी एक्सप्लेन है हमारे जो जिनको लगता है कि थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दिया जाए तो डेफिनेटली बताते हैं।
आप देख पा रहे हो एक कुछ ना, हमें बहुत सारी चीजें एकदम देखते समझ में, एक पैटर्न इसमें देख लीजिए, बहुत सिंपल सा, एक अल्फाबेटिकल ए से शुरू हो रहा है, देन ए बी लगातार आ रहा है, तो एक पैटर्न यही दिख रहा है कि ए बी, उसमें सी डी, उसके बाद ई एफ, तो सिंपल हो गया कि हमारे नेक्स्ट जो टर्म होगा वो सिमिलर ही आ रहा होगा, तो ए बी उसके बाद सी डी उसके बाद ई एफ उसके बाद क्या आएगा, जी और एच, ये तो यहाँ क्लियर हो जाता है, तो जी एच आ गया। उसके बाद उसने बहुत सिंपल दिया, थर्ड वाले में कहाँ ले गया, अल्फाबेट के लास्ट टर्म में, मतलब पी के पास पहुंच गया, तो मतलब स्टूडेंट को ऐसे लगे कि पता नहीं अब ए बी के बाद पी आ गया तुरंत, बट देख रहे हो उसने का जो लॉजिक था वो स्टार्टिंग के दो नंबर से ही समझ में आ जाएगा नेक्स्ट ग्रुप में, कि उसने शुरुआत के एक दो से शुरू किया, फिर तीन चार, फिर पांच छह नंबर पर गया। लास्ट वाले का फिर पैटर्न भी सिंपल है, पी के बाद उसने सिंपल किया कि नेक्स्ट टर्म पे गया पी क्यू आर, तो आर के बाद क्या आएगा, एस, तो एस आपका हो जाएगा, तो जी एच एस द राइट आंसर, जो भी सबने किया है, थैंक यू सो मच, सबका बहुत सही आंसर है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे दो टॉपिक कवर होते हैं, दो नहीं बेसिकली तीन होते हैं, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, बट सीरीज का ही पार्ट है वो, जिसमें नंबर से रिलेटेड होगा या फिर अल्फाबेट से रिलेटेड होगा। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कोडिंग डिकोडिंग, ये आपका क्लियर होगा, हो सकता है आपको यहाँ पे अल्फाबेट में दो नंबर दिए जाए, हो सकता है आपको चार दे दिए जाए, बट कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा ही सवाल मिलेगा आपको, तीन नंबर का अल्फाबेटिक कोई होगा जिसमें आपको कोड किसी कोडिंग दी हुई, किसी के अनुसार कोड किया गया हो और उसमें आपको आंसर बताना पैटर्न होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल नंबर है फोर्थ, बहुत जरूरी सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, हल्का सा नहीं तो बहुत आसान सवालों में भी बता सकते हैं, बट थोड़ा सिंपल उसमें फॉर्मूला भी लगेगा, तो बट आयुष्मान ने तो आंसर भी दे दिया, बाकी लोग भी दे सकते हो, तो मैं देख रहा हूँ, थैंक यू आयुष्मान, आपने दे दिया है, और बाकी लोग बताइएगा क्या हो सकता है इसका आंसर, और यदि किसी को इसका फॉर्मूला पता है तो वो भी चैट बॉक्स में डालो, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट सेक्टर वालों से एकदम से उम्मीद है कि अच्छा करेंगे इसमें। यस प्लीज, हाँ जी, शुभम का आया 28, देखते हैं सही क्या होगा, बट आप लोग डाल सकते हो अपना अपना। आयुष्मान त्रिपाठी, अच्छा दूसरा बता रहे हो, पहले अभी उस पर ही करते हैं, अभी हम फोर्थ करेंगे देन फाइव की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो दीजिएगा जल्दी जल्दी 28 20, मुझे लग रहा है इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दो प्रकार के आंसर आ रहे हैं, तो कोई इसका फॉर्मूला या किसी को पता है कि ये कैसे निकाला है, जिन्होंने 29 निकाला है और जिन्होंने 28 निकाला है तो वो बता सकते हैं कि कैसे आपने 28 किया है, कैसे 29, वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जो लाइव या हमारे साथ अभी जूम पे मीटिंग पे हैं वो लोग डेफिनेटली हम लोगों को अपने आप को हैंडरेज करें और बोल सकने का, वो बोल सकते हैं, मतलब मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, काफी रेस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं बेसिकली, एक बहुत ज्यादा इसका वो नहीं है, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है, और जो आप लोग बहुत आसानी से समझते होंगे, जिन लोगों ने आंसर दिया है उनको पता होगा, चैट बॉक्स में आप डाल भी सकते हो। ठीक है, सर आंसर फॉर्मूला तो किसी ने नहीं डाला, चलिए ठीक है, तो एक आप नोट कर सकते हो बेसिकली, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं कि आपकी क्लासरूम में टॉप से इतना है, बॉटम से इतना है, या फिर लेफ्ट से इतने स्टूडेंट है और राइट से इतने, तो इनमें बहुत एक आसान सवाल है, इसके लिए एक बहुत आसान फॉर्मूला है, सिंपली आप क्या कीजिए, लेफ्ट से कितना दिया है, या फिर इसने क्या दिया, यहाँ टॉप से कितना दिया, टॉप मतलब टी लिख लीजिए, आपने टॉप से कितना दिया, तो रैंक निकालनी होती है ना किसी भी क्लासरूम की, या किसी भी और कहीं की भी आपको या रैंक से रिलेटेड हो या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे प्रकार पूछे गए हो, तो इस सवाल के लिए आप कर सकते हो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, माइनस वन का कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है, जितने भी लेफ्ट से दिए हैं उतने भी राइट से दिए हैं, सबको जोड़ दो, उसमें से एक घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें देख रहे होंगे राधिका रैंक 16th फ्रॉम द टॉप, मतलब राधिका ऊपर से 16वीं नंबर पे है, एंड और 13th फ्रॉम द बॉटम, और क्लास के पीछे से वो 13वें नंबर पे है, तो उसने पूछा है कि टोटल क्लासरूम में कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो राधिका का 16th हो गया लेफ्ट प्लस राइट कितना है उसका 13, तो एल प्लस आर तो 16 प्लस 13 इक्वल टू माइनस 1, तो 16 और 13 कितना होता है, 29, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट 29 आंसर दे रहे, तो 29 नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट था, तो आपको क्या करना था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 16 प्लस 13 माइनस 1,
तो आप 16 और 13 29 माइनस 1 कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 28। ठीक है, तो रैंकिंग से आपको सवाल एक मिल सकता है और मिलेगा है, मतलब, और ऐसा नहीं, या तो यहाँ पर लेफ्ट राइट की जगह टॉप बॉटम की जगह लेफ्ट राइट मिलेगा, बस दो ही के बीच से तीसरा कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं उनके नजरों में, बस यहाँ तक ही वो पूछेंगे और इसी लेवल पे आप इस फॉर्मूले पे कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जब ये सेशन खत्म हो जाएगा देन आफ्टर आपके पास और क्वेश्चन सेटअप मिल जाएंगे जिससे आप बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, देन इसे कंक्लूड करें। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली विल टेक ये पूरा क्वेश्चन सेट जो है पूरा हम संडे के मेंटरशिप सेशन में ले लेंगे, अभी बहुत लेंदी हो जाएगा एक्चुअली, दे आर एंजॉयिंग बट अगेन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो बस मैं बस एक क्विक में आपको और मतलब सवाल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको इस प्रकार नंबर सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे 5, 6, 9, 14। देन आपको अल्फाबेट सीरीज से मिलेंगे जिसमें आप अल्फाबेट लिखा होगा ए डी जी जेड, इस प्रकार आपको पैटर्न होगा। थर्ड वन जैसे दिया गया आप पैटर्न देख लीजिए, इसी बेसिस पे आपको सवाल मिल जाएंगे। थर्ड वाला दिया है जिसमें डिकोडिंग से रिलेटेड है, जहां अल्फाबेट दिया है इसे डिकोड करना है। फोर्थ आपको मिलेगा रैंकिंग से, ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आपको दिया है क्या करना है उसमें डायरेक्शन से रिलेटेड है, तो डायरेक्शन का आपके सवाल मिल जाएंगे, उसमें आप बताना होगा कि ये कौन सी डायरेक्शन में कहाँ खड़ा है। सिक्स आपको लास्ट में दिया है ब्लड रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आना ही आना है, जो मैंने पहले ही बताया था। सेवन फेन आपको डिफरेंट पता करना है कि इसमें ऑड क्या है। एट्थ है, इसमें भी ऑड पता करना है, सारे कोई चार टर्न दिए होंगे उसमें से तीन सिमिलर होंगे एक डिफरेंट होगा, वो आपको बताना है। और आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल आना है एक, ठीक है। और लास्ट आप देख रहे होंगे सिलोग्राम से कंक्लूजन बेसिस पे आपको सवाल मिल रहे होंगे, तो मैंने ये 10 का एक सिंपल फॉर्मेट आपको दिया है, इस बेसिस पे आपको सवाल मिल रहे होंगे। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी होगी कंसर्न होगी तो जैसे आपने सरस्वती ने बताया यहाँ के बाद आपने मेंटरशिप वाले ग्रुप में स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन का हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सरस्वती, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच विवेक सर। इवन बाकी एस्पिरेंट जो भी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, प्लीज लाइक द वीडियो अगर आप इंजॉय कर रहे वीडियो को, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया विवेक सर ने, और एस्पिरेंट्स ने भी बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है, इनफैक्ट बहुत हाई एनर्जी है सबकी। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी हम जानेंगे कि केस स्टडी और अदर प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो विनय सर, मैं आपको इन्वाइट करती हूँ कि आप एस्पिरेंट्स को गाइड करें। विवेक सर, आप अपना स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक ऑलरेडी हम लोग थोड़ा लंबा जैसे काता सेशन होगा, बट ये है कि हम लोग आपको थोड़ा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं ताकि आपके सवाल ना रहे, आप या तो लाइव देख रहे हैं, लाइव के अलावा बाद में भी देखेंगे तो समझ में आएगा। तो एक आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका जो है आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, राइट। तो अब हम समझते हैं कि उसके बाद आपका ये हो गया, इसके बाद अब क्या होगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर बेसिकली ये था कि वो ऑनलाइन भेज रहे थे, बट क्योंकि इस बार फिजिकली है तो आपका सबसे पहले ही वो लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट लेंगे। दो सवाल हैं इसमें, पहला ये है कि लैंग्वेज क्या होगा, तो लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगा। सेकंड सवाल है कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो अराउंड 25 to 30, लास्ट ईयर अराउंड 30 के अराउंड थे, तो इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 25 to 30 ही रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड कि अब आगे क्या होगा। तो आगे जो है वो होगा हमारा एक आपका ग्रुप डिस्कशन से पहले आपका प्रेजेंटेशन। ठीक, सो अब क्या होगा, एक प्रेजेंटेशन में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। ठीक, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा बेसिकली, और उसी प्रेजेंटेशन को पहले आपको इंडिविजुअली प्रेजेंट करना है, फिर आपको ग्रुप में प्रेजेंट करना है। तो हम लोग जो बातचीत करेंगे, केस स्टडी का लैंग्वेज जो होगा बेसिकली, वो लाइक वो लोग जो आपको देंगे वो देंगे आपको इंग्लिश में, बट ये कि वो समझने लायक होता है, मतलब वो आपको समझा देंगे, ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे, तो आपको समझाएंगे और आप भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि थोड़ा बहुत आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इंग्लिश का, तो वो राजी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि उसको आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन हम पहले समझते हैं, लास्ट ईयर उन्होंने क्या दिया था, फिर हम लोग आएंगे कि इस बार क्या उम्मीद आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। बेसिकली क्वेश्चन कुछ भी रहे,
डजंट मैटर, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने एक टॉपिक लिख के दिया था विवेक, हमारे पास अगर टॉपिक है तो एक बार हम शो कर सकते हैं, और उस पर उन्होंने बोला था कि वो एक आपको पीपीटी प्रिपेयर करना है और उस पीपीटी को पहले इंडिविजुअल प्रेजेंट करना है फिर ग्रुप में। तो इससे वो समझना क्या चाह रहे हैं, हर एक प्रोसेस का एक ऑब्जेक्टिव है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि आपका वो कम्युनिकेशन देखना चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट कर पाते हैं अच्छे तरीके से कि नहीं, डॉक्यूमेंट बेस पे भी और आपके अपने बोलने के तरीके पे भी, आपके समझने के तरीके पे भी। ठीक, तो लास्ट ईयर उन्होंने जो क्वेश्चन दिया था वो दिया था कि यूथ का यानी युवा देश में किस क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें आपको लगता है जिसमें कि युवाओं को अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे है, सबसे पहली प्राथमिकता में है। तो हमेशा आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि टॉपिक कोई भी हो, डजंट मैटर, उनमें टॉपिक में आपसे वो उस टॉपिक की कोई जीएस या जीके नहीं पूछ रहे हैं, वो बस ये समझना चाह रहे हैं इसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन कैसा है और आप उस टॉपिक को कैसे समझा पा रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को पहले समझना है कि आपका टॉपिक है क्या, उस टॉपिक को तोड़ लो, क्या समझना चाह रहे हैं वो। पहली बात वो ये समझना चाह रहे हैं कि जो देश के युवा है, जो देश के यूथ है, वो यूथ कैसे उस हमारे कंट्री के जो डेवलपमेंट है उसमें ऐसा कौन सा प्रायोरिटी एरिया है जहां पे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, हमेशा पीपीटी को आप पहले टॉपिक से शुरू करोगे, बेसिकली आप ये शुरू करोगे कि आपका सवाल क्या है और उस टॉपिक के बाद आप ये बताओगे कि सबसे पहले जैसे मान लो यूथ का अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले पहला बेसिक डेटा आपका होगा, ठीक है, पहला बेसिक डेटा क्या होगा कि हमारे देश में यूथ की कितनी जनसंख्या है, मतलब आप जब कोई प्रेजेंटेशन दोगे तो मनाम अराउंड भाई हमारे देश में इतने, हमारा देश सबसे युवा देश है पूरे विश्व का, ठीक, तो हमारे देश में इतने यूथ हैं और उन यूथ में एक ह्यूज पोटेंशियल है। लेकिन अब आपको दो चीजें समझनी है, एक तो टेक्निकल आपको पीपीटी पे क्या प्रेजेंट करना है डॉट्स में, पॉइंट्स में, और जब आप खुद प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको थोड़ा डिटेल में जाना है, ठीक है, टाइमिंग रहेगा वहां पे, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, तो टाइम आपको इतना मिलेगा कि आप प्रिपेयर कर पाओगे, ऐसा वो जल्दबाजी में नहीं करेंगे आपके साथ, तो उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पहले थोड़ा स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है, चार सवाल अपने आपसे पूछना है, सिंपल चार सवाल, पहला प्रॉब्लम क्या है, मतलब वो समझना क्या चाहते हैं। तो इस सवाल में वो क्या समझना चाहते हैं कि जो हमारे देश का यूथ है वो देश की कौन सी समस्या को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि हमारे देश में यूथ कितना है, यूथ का मतलब हम किसको बता रहे हैं, उसका एक डेफिनेशन। दूसरा हमें ये समझना है कि हमें क्या लगता है कौन सी समस्या है। तो पिछली बार क्या हुआ था, कुछ लोगों ने बेसिकली, ज्यादातर ने यही बनाया था कि एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, क्योंकि उनको ये लगा था कि भाई एजुकेशन का फेलोशिप है, हमको भी एजुकेशन में काम करना है, तो वही एक बड़ी समस्या है। ऐसा जरूरी नहीं है, आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहे हैं, आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, आपका अपना मत क्या है। तो आपको लगता है कि हेल्थ एक बड़ा इशू है, आपको लगता है न्यूट्रिशन एक बड़ा इशू है, तो यू कैन टेक दैट, बट उसका एक रीजनिंग होना चाहिए, उसका एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो आपको पीपीटी में एक बड़ा क्वेश्चन देंगे, फिर आगे आपके चार पांच क्वेश्चन देंगे जिस पर आपको पीपीटी, जैसे पहला क्वेश्चन उसमें ये था कि एक्सप्लेन द, लाइक बेसिक इंट्रो वाला क्वेश्चन था, सेकंड ये था कि कौन सा एक प्रॉब्लम है जिस पर वर्क करना चाहिए, थर्ड ये था कि मैं कैसे इसको कनेक्ट करता हूँ, मतलब इसमें फेलोशिप कैसे मदद करेगा बेसिकली उस यूथ का, ठीक है, तो वो एक कनेक्ट करना था, लास्ट भी एक क्वेश्चन था। तो वो चार पांच आपको तीन चार सब क्वेश्चन देंगे, उनको समझना है। सबसे पहले आपको डेटा लेना है, आई थिंक वो अलाउ करेंगे आपको ऑनलाइन या वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो डेटा को। उस डेटा के बाद आपको पॉइंटर्स में लिखना है, ठीक है, पॉइंटर्स में लिख के आप कनेक्ट कर सकते हो उनको, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहले आपने मान लो डेटा ले लिया, उस डेटा को आपने अपने कॉपी पे लिख लिया, जैसे मैं डायरी पेन की बात कर रहा था उस पे लिख लिया, फिर उसको पॉइंट वाइज आप प्रेजेंट करो। तो प्रेजेंटेशन को शुरू करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है आपका फॉर्मल, एक तरीका होता है क्रिएटिव। फॉर्मल तरीका ये होता है कि नंबर वन टॉपिक उसका डिटेल, नंबर टू टॉपिक उसका डिटेल, नंबर थ्री टॉपिक उसका डिटेल। क्रिएटिव तरीका थोड़ा ये होता है कि हम लोग थोड़ा लेवरेज लेते हैं, तो हम लोग कैसे, हम लोग किसी स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, जैसे मान लो यूथ का वाला टॉपिक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं प्रेजेंट करूंगा तो मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा एक पिक्चर के साथ
कि सर ये मेरे दोस्त हैं जो इस देश का भविष्य है, लेकिन इनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, शायद इसीलिए आज ये गांव में ही रह गए और इन और ये आई थिंक किसी दूसरी दिशा में चले गए। उनकी स्टोरी बता के, मान लो किसी बच्चे की है तो बच्चे की स्टोरी बता के। अब इसी तरह के हमारे देश में इतने करोड़ युवा है सर, और उन उतने करोड़ युवाओं में से हायर एजुकेशन में सिर्फ इतने करोड़ युवा पहुंचते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने ज्यादातर युवा जो जनसंख्या हमारी है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। ये जितने भी युवा पहुंचते हैं उनको मुझे लगता है कि एजुकेशन एक बड़ी समस्या है जिस पर कि काम करना चाहिए। क्यों लगता है? नंबर वन, क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट कम है, क्योंकि ड्रॉप आउट ज्यादा है, क्योंकि फीमेल लिटरेसी रेट कम है। मतलब आप रीजन दो डेटा के साथ। इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन इज द नंबर वन पॉइंट जिस पर फोकस करना चाहिए। अब कर क्या सकते हैं युवा? नंबर वन, पहले तो वो सरकार के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर सरकार और ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं भी मिल रहे हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे अपने आसपास की कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। तीन चार चीजें आप लिख सकते हैं। फेलोशिप कैसे हेल्प करेगा? नंबर वन, फेलोशिप उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड करेगा कि भाई मैं समाज के लिए कुछ सोचूं। फिर फेलोशिप उन्हें स्किल देगा कि कम्युनिटी में काम कैसे करते हैं। फिर फेलोशिप उनके लीडरशिप स्किल पे काम करेगा, ठीक, ताकि वो लीडर बनेंगे। फिर अल्टीमेटली फेलोशिप उनको उनका अपना गोल रियलाइज करने में हेल्प करेगा। तो अल्टीमेटली बिल्ड सेल्फ और बिल्ड नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फेलोशिप का है कि वो बच्चे अपने ऊपर भी काम करेंगे, तो जो आपने पहला तस्वीर दिखाया था उसको दोबारा लाके कि ये बच्चे अगर इन्हें फेलोशिप जैसी अपॉर्चुनिटी में मौका मिला होता तो ये अपने ऊपर काम करते, अपने स्किल को बिल्ड करते और अल्टीमेटली अपने देश को भी बिल्ड करने में मदद करते। इस तरह से आपका इनफॉर्मल तरीके से प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। फॉर्मल तरीके से करना है, फॉर्मल तरीके से बेसिक है भाई, आपने जो टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है तीन चार पॉइंट में उस टॉपिक को एज इट इज आपको लिख देना है, ठीक। अब हम आते हैं कि प्रेजेंटेशन वाले पार्ट पे क्या आपको ध्यान रखना है। आपने एक पीपीटी बना लिया, डजंट मैटर आप हिंदी में लिख रहे हो उसमें, इंग्लिश में लिख रहे हो, नहीं मैटर करता, लेकिन आपका एक ही चीज होना चाहिए कि जो भी बात आप कह रहे हो एकदम क्लैरिटी के साथ हो। मतलब आप जो भी बात कह रहे हो सिंपल कर लो उसको, उनका सवाल सिंपल कर लो। जैसे मान लो सवाल ये भी हो सकता है कि हमारे देश में इतने मतलब हमारे देश में 30-40% जो बच्चियां हैं वो 8वीं के बाद स्कूल नहीं जाती। इस मामले में आप क्या कर सकते हैं, क्या समस्या है और क्या सॉल्यूशन है? तो हमेशा उसको 2-3 भाग में तोड़ लो। समस्या क्या है कि भाई 30% लड़कियां स्कूल नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? उसके नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। सेकेंड स्लाइड पे आ गए कि क्योंकि ये रीजन है तो इनको रिजोल्व करने के लिए उसी रीजन का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। मान लो कि यहाँ पे कोई हेल्थी सैनिटरी सैनिटेशन नहीं, मतलब फीमेल के लिए टॉयलेट्स ही नहीं प्रॉपर, वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है, या उनका सिक्योरिटी का इशू है, तो वो रीजन है, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? भाई अगर वहाँ पे सैनिटेशन नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट नहीं है तो टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है तो समाज को और पुलिस को, गवर्नमेंट को ये सिक्योरिटी देना पड़ेगा कि भाई आपकी बच्चियाँ सिक्योर है, उसी से सॉल्यूशन निकलेगा। आप एज अ फेलो क्या कर सकते हो? आप एज अ फेलो ये कर सकते हो कि जो भी गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर हैं उन सब के साथ मिलकर इस काम को करवा सकते हो। पुलिस वहां पे है, सरकार वहां पे है, समाज वहां पे है, स्कूल वहां पे, सब कुछ है, सारा फंड है, सारी स्कीम चल रही है। आपका रोल ही है उसको इनेबल करना, यानी सब कुछ सुस्त पड़ा हुआ है, आपको उसको खड़ा करना है, यानी उसको क्रिएट करना है। अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन के तरीके कि आपको क्या करना है कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में बोलिए, मराठी अगर वो एक्सेप्ट करते हैं मराठी में बोलिए, बांग्ला एक्सेप्ट करते हैं बांग्ला में बोलिए। सेकंड चीज, आप जब भी बात करें तो अपनी बात को क्लैरिटी के साथ रखें, एकदम क्लियर, बहुत ज्यादा डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस में बात करना। एक तो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन आपका होगा, एक फिर आप ग्रुप में चर्चा करोगे। तो ग्रुप में क्या चर्चा करोगे? मान लो ग्रुप में चार लोगों ने चार समस्याओं पर काम किया है कि भाई मेरे को लगता है ये वाली समस्या प्रमुख है, मेरे को लगता है हेल्थ समस्या प्रमुख है, मेरे को लगता है वॉटर प्रॉब्लम। तो उन सब में डिस्कशन का मतलब हमेशा ये होता है कि हमें ग्रुप को साथ लेकर चलना होगा। उसमें ये नहीं दिखाना है कि मेरे को हावी होना है, मेरे को बोलना है, बट ये देखना है कि मेरे ग्रुप में क्या सभी लोगों ने अपनी बात कह दी। और हमेशा अपनी बात को ऐसे शुरू करना है जिसमें आपका पिछले वाला जो व्यक्ति जहां छोड़ेगा उसी बात से आपको आगे रखना है। कि जैसा हमारे पिछले वक्ता विवेक जी ने ये कहा कि लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा ऐसा आता है, उसके बाद ये स्टेप होता है, तो उसकी हम चर्चा करें। ऐसे कनेक्ट करना है आपको, अपने ग्रुप के लोगों को अप्रिशिएट करना है, उनको रिकॉग्नाइज करना है कि भाई फलाने सिंह ने ये बात कही थी, इससे मैं एग्री करता हूं,
फलाने सिंह ने ये बात कही थी तो इससे मुझे आई थिंक मैं शायद एग्री नहीं करता हूँ, इसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेगा ग्रुप डिस्कशन, नोट बना के रखिए, ठीक, वो आपका ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है कि टॉपिक पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जो आपके अपने एक्सपीरियंस, दो चीजें ध्यान रखना, नंबर वन आपका नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस। जैसे मान लो ग्रुप का टॉपिक दे दिया गया सरकारी स्कूल अच्छा है या प्राइवेट स्कूल अच्छा है, तो आप एक तो बहस करोगे कि नहीं प्राइवेट अच्छा है नहीं सरकारी अच्छा है, दूसरा आप एक तरीके से अपनी बात ये रखोगे कि मैं आप सबके बीच में एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, ठीक, कि मैं एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ और मेरा एक जो साथी है वो सरकारी स्कूल से पढ़ा है, उसके पढ़ाई में क्या अंतर है, मेरे पढ़ाई में क्या अंतर है, क्या क्या समस्याएं हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस है। या मान लो हर एक टॉपिक पर आपका एक्सपीरियंस नहीं निकलेगा, तो मान लो उन्होंने कहा कि भाई बच्चों का ड्रॉप आउट है, तो आप कह सकते हो कि मैंने अपने गांव में ऐसा देखा है कि मेरे गांव में, मेरे गांव से दूर स्कूल है तो वहां पे जो 50 बच्चियां पहले जा रही थी उनमें से 30 बच्चियां ही जाती हैं, और मैंने देखा है कि उन बच्चियों को स्कूल छोड़ने के बाद उनकी क्या स्थिति। तो शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर लाइव एक्सपीरियंस, जो भी आपके आसपास घटना घटी है उससे आप कनेक्ट करें, उसको आप शेयर करें, आपके क्षेत्र में स्पेसिफिक चीजों को, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था, जैसे मान लो आपके क्षेत्र में यह है कि लड़कियों को नहीं भेजा जाता है, कोई प्रथा है, उन सब चीजों को आप वहां पर रखो, वो आपका एक्सपीरियंस होगा। दूसरा चीज डेटा, आप कुछ कुछ डेटा अपना लेकर जाएं, आपके महाराष्ट्र का यानी आपके स्टेट का, आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या लिटरेसी रेट है, क्या आपका हेल्थ का रेट है, क्या न्यूट्रिशन का रेट है, कितनी जनसंख्या है, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़ने जाते हैं। और तीसरी चीज है NEP, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, गूगल पे यूट्यूब पे बेसिक सर्च करेंगे ये क्या है, मोटा मोटा पता होना चाहिए आपको, ज्यादा चीज नहीं, मोटा मोटा, कि पहले की एजुकेशन पॉलिसी में और अब की में क्या अंतर आया है, क्यों पता होना चाहिए। ये आपको तीन जगह हेल्प करेगा, नंबर वन आपका प्रेजेंटेशन में हेल्प करेगा, नंबर टू आपके ग्रुप डिस्कशन में हेल्प करेगा, नंबर तीन आपके इंटरव्यू में हेल्प करेगा। मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं प्राइवेट अच्छा है क्योंकि ऐसा 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 होता है, आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू द NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये मेंशन है, या महात्मा गांधी ने एक बार ये कहा था, आप इस तरह के रेफरेंसेस दोगे तो आपका जो पॉइंट है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा। इसीलिए हमें डेटा चाहिए होता है। अब मैं आता हूं फाइनल वाले स्टेज में, दैट इज फाइनल इंटरेक्शन, जो कि सबसे ज्यादा टफ है या जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू, आपके लॉजिकल रीजनिंग, ग्रुप डिस्कशन, इन सबके नंबर बटे बटे होते हैं, 20, 30, 20, 30, 50 ऐसे, टोटल जो आता है उससे आपका फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल इंटरेक्शन के लिए आपको चार चीजों को बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। पहला, आपका फेलोशिप क्या है, किस क्षेत्र में काम करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, एक फेलो का रोल क्या होता है, ये क्लियर पता होना चाहिए। स्टेप हेड को आप जाओ, प्लेलिस्ट अभी आप शेयर कर देंगे हमारे एडमिन, उस प्लेलिस्ट में 15-20 वीडियो, उनको देखो, हमने फेलो के साथ इंटरव्यू किया है, हमने उनकी रिक्रूटमेंट टीम के साथ इंटरव्यू, आप समझने की कोशिश करो कि फेलोशिप क्या है। जैसे आप में से 90% लोग यही बोलोगे कि ये 2 साल का प्रोग्राम है, फुल टाइम प्रोग्राम है, इसमें फेलो अपने ऊपर काम करते हैं, बिल्ड नेशन बिल्ड सेल्फ, ये मतलब एक कॉमन है, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। हमें चाहिए कि उसके प्रोसेसेस क्या है, फेलो का रोल क्या होता है, आप, क्योंकि उससे आपका इंटरेस्ट झलकेगा, आप फेलोशिप में इंटरेस्टेड, ये कैसे दिखेगा, तभी दिखेगा जब आप ये बताओगे कि आपने फेलोशिप के बारे में कितना रिसर्च किया है। नंबर वन पॉइंट आपको ये ऐड करना। सेकंड पॉइंट, अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में लिखिए अपना इंट्रो। इंट्रो में क्या होगा, मैं, मेरा नाम ये है, मैं इस क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र की अगर कुछ खासियत है तो वो, ये बिहार के इस जिले में पड़ता है जहां पे ऐसा ऐसा होता है, ये महाराष्ट्र के इस गढ़चिरौली से आता हूँ जो कि आदिवासी इलाका है जिसमें इतने प्रतिशत आदिवासी रहते हैं, बड़ा पिछड़ा इलाका है, मेरे घर में ऐसे ऐसे लोग हैं, मेरे पिता फार्मर हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ और हैं, मैंने ये पढ़ाई किया है, मैंने सरकारी स्कूल से अपना स्कूलिंग किया है, फिर मैंने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, ग्रेजुएशन के दौरान मैंने NCC NSS का पार्ट बना या किसी वॉलंटियर ग्रुप का पार्ट बना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियरिंग किया, फिर मास्टर्स में आते आते मैंने ऐसा ऐसा काम किया, वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ समाज के लिए करना चाहिए, अपने ऊपर कुछ सीखना चाहिए, तो फिर मैंने गांधी फेलोशिप के लिए अप्लाई किया। दो चीजें हो गई, अबाउट गांधी फेलोशिप, अबाउट सेल्फ। थर्ड, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन द फेलोशिप, तुमको घुमा घुमा के बार बार इधर उधर से यही सवाल पूछेंगे, क्यों करना चाहते हो।
उसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। पहला कोई बोलेगा कि सर इंटरेस्ट है मेरा गान, सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, मुझे लगता है मेरे को अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। कॉमन है, सबका यही कॉमन आंसर होगा। अगर आप ऐसे बोल रहे हो तो आपको स्ट्रिक्टली ये समझना चाहिए कि क्या क्या सीख हो गया। यू विल लर्न, यू विल गेट द लीडरशिप स्किल, लेकिन लीडरशिप स्किल लेके करोगे क्या? तो उसको आपको लिंक करना पड़ेगा फ्यूचर से, क्योंकि सर मैं फ्यूचर में आने वाले टाइम में आई वुड लाइक टू, जरूरी नहीं कि आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, सारे लोग थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। भले ही आपको एक सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना है, किसी सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट के साथ काम करना है, एनजीओ के साथ काम करना है, तो आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, बिल्ड माई लीडरशिप स्किल, बिल्ड माई स्किल सेट जो मुझे फेलोशिप से मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि फेलोशिप में ऐसे प्रोसेस है कि भाई हम गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ काम करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं, उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं, टीचर्स के साथ काम करते हैं, हेल्थ में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ काम करते हैं, तो उनको हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन के थ्रू इनेबल करते हैं, तो मेरे भीतर भी वो चाहे। दूसरा, कम्युनिकेशन मेरा स्ट्रांग होगा क्योंकि मेरा काम ही पूरे दिन कम्युनिकेशन का है, मुझे थ्रू कम्युनिकेशन ही उनको उनसे काम करवाना है, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। थर्ड, मुझे एक्सप्लोर करने को मिले, मुझे पता चलेगा कि समाज में सरकार क्या कर रही है, सामाजिक संस्थाएं क्या कर रही है, कम्युनिटी कैसे वर्क करता है, समाज में बदलाव आता कैसे है, वो मुझे पता चलेगा। एंड फोर्थ, कि मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, मान लो मैं अपने स्टेट से निकल कर किसी और में जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, तो आई थिंक मेरे लिए कुछ नई लर्निंग्स होंगी, मैं लैंग्वेज नई सीखूंगा, कल्चर नया सीखूंगा, वहां पे नए लोगों के साथ काम करूंगा, हो सकता है मेरे कंफर्ट से बाहर की चीज है। इस तरह से आप 4-5 रीजन अपने स्ट्रांगली तैयार, उसको आप लिंक करोगे कि सर आने वाले समय में, अभी अगले 2 साल में ये फोकस कर रहा हूं कि मैं अपने ऊपर काम करूं, मैंने कॉलेज की पढ़ाई किया लेकिन मैं उस कॉलेज की पढ़ाई के थ्रू अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, मतलब मुझे नहीं पता मेरा क्या इंटरेस्ट है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे भीतर क्या अच्छा है, तो मैं अगले 2 साल सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहता हूँ और इस फेलोशिप के थ्रू अगले 2 साल में अपने ऊपर काम करूंगा और उसके थ्रू समाज के ऊपर काम करूंगा। इस तरह आपका क्लैरिटी होना चाहिए, इनको चाहिए क्या, 3 चीजें बता दी मैंने। फोर्थ चीज ये है कि, तीनों मैं रिपीट कर देता हूँ पहली बार, अबाउट फेलोशिप बहुत इन डेप्थ में, अबाउट योर सेल्फ बहुत इन डेप्थ में, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन, ठीक। फोर्थ चीज आता है, 4 जो इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्थ चीज ये आता है कि आपको कुछ वो केस स्टडी बेस्ड कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक, आइदर आपके पुराने किसी एक्सपीरियंस से पूछेंगे कि मान लो एक सरकारी ऑफिशियल कुछ काम कर रहा है, वो इन्फ्लुएंस हो ही नहीं रहा है, वो कुछ काम करना ही नहीं चाहता है, कर ही नहीं रहा है, आप क्या करोगे? बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है गांधी फैलो, आप तो गांधी जी की पद्धति में वहां पे उसको एनेबल करने गए, मतलब आप उसको एम्पावर करने गए, तो गांधी जी के पास कभी जीवन में कोई पद नहीं था, कभी भी कभी कोई उन्होंने पद नहीं लिया, ना कांग्रेस में कोई पद लिया, ना देश में कोई पद लिया, वो चाहते तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी बन सकते, लेकिन बिना अथॉरिटी बिना पद लिए उन्होंने बदलाव लाया। तो अगर उन्होंने बोला कि कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा है, लेट आ रहा है, आप क्या करोगे? तो आपका हमेशा जवाब होना चाहिए कि हम सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसा क्यों कर रहा है, कुछ तो रीजन होगा, कुछ उसकी दिक्कत होगी, फिर हम उस रीजन को सॉल्व करके उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें। कभी भी उसकी शिकायत नहीं करना है, कभी भी उसको परेशान नहीं करना है, धमकाना नहीं है, डराना नहीं, किसी भी सूरत में आप नहीं कर सकते। एक लाइन आपने इस बारे में बोला, आपको वो आउट कर देंगे, ठीक, क्योंकि उस पद्धति पे काम ही नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो? आप उसे मोटिवेट कर सकते हो, आप उसको समस्या को समझ सकते हो, उसके साथ रैपो बना सकते हो, उसको थोड़ा समझा सकते हो कि सर आप आइए, आपकी वजह से कितना अच्छा होगा, क्या बेटर होगा। आप अपने जो ऑफिशियल है उनसे मदद ले सकते हो, अपने प्रोग्राम लीडर से कि सर मैं कैसे करूं, लेकिन उनका शिकायत वगैरह और उन सब मोड में नहीं जाना, क्योंकि अगर शिकायत करोगे तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, यही चीज तो आप सीखोगे। तो ये केस स्टडी बेसिस आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या पता होना चाहिए? ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, आंगनवाड़ी आशा कैसे काम करती है, स्कूल कैसे काम करता है, इन चीजों के बारे में आपका डिटेल, और एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको बेसिक पता हो। उसके बाद फाइनली अगर वो कुछ पूछेंगे, वो ये पूछेंगे कि आपको लोकेशन कहीं और दिया जाएगा, क्या आप कंफर्टेबल हो, आपका स्टाइपेंड इतना होगा, क्या आप कंफर्टेबल हो, क्या आपने फैमिली से बात किया है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने फैमिली से चर्चा करके जाएं, उनका क्या रिस्पॉन्ड है, वो क्या करना चाहते हैं, और सबसे पहले तो खुद समझें कि इस फेलोशिप में आपने क्यों अप्लाई किया है। मतलब हर एक फेलोशिप का अपना एक यूनिक फीचर होता है। क्लियर रहे, आप डाउट नहीं क्रिएट करना है। इंटरव्यू में अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो 2-3 चीजों से बचना चाहिए। नंबर 1,
आप ये सोच रहे हो कि वहां पे जाके साइड बाय साइड गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर सकते हैं और फेलोशिप चलता रहेगा, जिस दिन गवर्नमेंट जॉब चला जाए वहां चले जाए, मतलब एज ए ऑप्शन बी रखना चाहते हैं? नहीं होने वाला है ना, तो ये ऐसे मतलब ना तैयारी कर ही सकते हैं ना, वो सोच रहे हो कि सर देखते हैं प्लेसमेंट होगा तो ठीक है, नहीं तो इसमें चले जाएंगे, नहीं होने वाला है। थर्ड आप ये सोचते हो कि सोचा नहीं है इतना ज्यादा कुछ, जो भी होगा देख लेंगे, देखते हैं, आई थिंक अच्छा लग रहा था, अच्छा है, सोशल सेक्टर में काम करना है, बच्चों के साथ काम करना है, तो भी नहीं होना है। नीड टू बी क्लियर, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत आते हैं और फर्स्ट राउंड में थोड़ा आसान होता है बट फाइनल राउंड में बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। एंड पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो आपको पूरे दिन ऑब्जर्व करेंगे, भी ऑब्जर्व करना। इसका मतलब ये नहीं है कि शांति से एकदम अपने आप को रोक के रखना है, नहीं, आपको वो देखेंगे कि आप लोगों के साथ कैसे घुलते मिलते हो, आप लोगों को कैसे रेस्पेक्ट करते हो, लोगों से बातचीत कितना कर रहे हो, खुल कैसे रहो, ठीक है, कट कर रहे हो, तो वो चीज आपको ऑब्जर्व करेंगे, वो पूरा पूरे दिन आपको वो ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि समवन इज ऑब्जर्व, तो कुछ भी ऐसा आपको नहीं करना जिससे कि आप उनके रिमार्क्स में अलग तरीके। लास्ट में वो पूछेंगे आपका कोई सवाल है तो आई विल सजेस्ट कि कोई ना कोई सवाल आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई सवाल आप रखो अपने मन में जिस जो कि उनसे आप पूछ पाओ, आई थिंक वो बेटर होगा, ताकि उनको भी एक अच्छा आइडिया आएगा कि भाई किस तरह का आप कुछ समझ के आए हो, कुछ सोच के आए हो, ठीक है। ठीक, अब आपके कुछ सवाल अगर हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, यूट्यूब पे अगर आप जुड़े हो तो यूट्यूब पे भी डाल सकते हो, और मैं कुछ सवाल लूंगा भी। तो एक सवाल आया है अभी, गंगा पूछ रही है कि उनका सिलेक्शन हो गया था पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तो फैमिली रीजन की वजह से, तो क्या वो फिर से फॉर्म सबमिट कर सकती है? बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं, थोड़ा इस बार उनके लिए चैलेंजिंग होगा लेकिन सबमिट करें, अपना जेन्युइन रीजन बताएं, बट इस बार उनको श्योरिटी देना पड़ेगा कि इस बार वो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस होता है, आप समझिए, आपका एप्लीकेशन कोई देखता है, फिर आपका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू कोई देखता है, फिर आपका पूरा डे का एक्सपेंस होता है, उसके बाद आप कहते हो कि आप नहीं करोगे, तो ये टीम के लिए अपने आप में एक बहुत नेगेटिव पॉइंट होता है, मतलब बहुत नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं कि आप अप्लाई नहीं, आप अप्लाई करिए और आप उसमें मेंशन करिए कि आपने अप्लाई किया था, पहले सिलेक्शन भी हुआ था, बट आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, आपने क्यों छोड़ा और इस बार आप क्यों ज्वाइन करोगे, आप उनको कन्विंस कर पाओ। केस स्टडी का लैंग्वेज ऑलरेडी प्रेम बता दिया, इंग्लिश में रहेगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो आप जूम पे जो जुड़े हो अनम्यूट कर सकते हैं, यूट्यूब पे जुड़े हो वो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपके लूंगा एक एक करके, हम लोग अगले और 5 मिनट में, आप अगर जूम पे है तो वहां से भी कर सकते हो। फिर से अप्लाई आप वेबसाइट से ही कर सकते हो गंगा, अच्छा एक और लास्ट चीज जो सरस्वती ने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, एक अभी हमारे एडमिन आपको शेयर करेंगे मॉक इंटरव्यू का फॉर्म, वो आप भर दीजिए, तो जिन इनमें से जो लोग होंगे जिनका नागपुर में अगले एक दो दिन में आगे भी आप फॉर्म भरोगे उसमें आप डेट डाल दो आपका कब इंटरव्यू, हम लोग मॉक भी करेंगे, मतलब एक प्रॉपर इंटरव्यू करेंगे, जो क्वेश्चन वो पूछेंगे वो हम लोग भी यहाँ पे पूछेंगे, उससे आपको एक हेल्प हो जाएगा। विनय सर एक क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में प्रगति का, जो पूछ रही थी कि ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू का टाइम के रिलेटेड कि कितने टाइम तक होता है समय। तो इंटरव्यू का जनरली टाइम 30-40 मिनट होता है, अगर आपका इंटरेस्टेड है वो आप में तो थोड़ा लंबा चलता है, ग्रुप डिस्कशन भी अराउंड 30-40 और 1 आवर होता है बेसिकली डिस्कस करने के लिए। ओके, एंड चैताली पूछ रही थी कि होम लोकेशन के बारे में कि क्या वर्क करने के लिए होम लोकेशन मिलेगा? नहीं मिल सकता होम लोकेशन, मोस्टली चांसेस है कि नहीं मिलेगा, सेंटर चेंज कर सकते हैं शहबाज, जैसा मैंने बोला कि आप उन्हें मेल कर दीजिए, आपके जो नियर बाई सेंटर है जैसे आप अलीगढ़ में तो दिल्ली है, आप मेल कर दो और एक बार बात कर लो तो आई थिंक वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा डेट इधर उधर होगा, BHU में अभी हो रहा है फिर वो वहां पे बाद में होगा, अगर आप जा सकते हो तो आप जा सकते हो तो चले जाओ, अगर कुछ इमरजेंसी है तो बाद में जा सकते हो। जी, गौरी पूछ रही है कि PPT प्रेजेंटेशन जो बनाना है वो इंग्लिश में ही बनाना होगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन देखो पीपीटी में क्या होता है पॉइंटर्स बनाने होते हैं, तो इंग्लिश में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी में आप एक्सप्लेन कर लो तो आपके दोनों लैंग्वेज कवर हो जाएंगे, आप हिंदी में भी लिख सकते हो बट ट्राई टू
राइट द पॉइंट्स इन द पीपीटी, पॉइंट सिर्फ आपको लिखना है. ओके, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि प्रांजना पूछ रही है, जो वो पूछ रही है कि अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना है तो कितने स्लाइड्स बनाने हैं, अगर स्लाइड्स मतलब कितने बनाने हैं, उसके साथ ही क्या क्या इम्पोर्टेंट की पॉइंटर्स होने चाहिए, इट मीन्स कि क्या नहीं छूटना चाहिए उससे रिलेटेड. तो स्लाइड में जैसे एक जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसके नीचे वो एक थीम क्वेश्चन देते हैं, राइट. तो उस थीम क्वेश्चन में क्या होता है कि उसके कुछ सब क्वेश्चन होते हैं, 3-4 सब क्वेश्चन होते हैं, राइट. जैसे कि अगर मैं आपको, अगर आप शेयर कर पाए पुराना वाला, तो उसमें जैसे एक क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द वन एरिया दैट द यूथ ऑफ दिस कंट्री कैन कॉज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट व्हिच विल फ्यूल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ दिस नेशन. ये टॉपिक है, उसके इन्होंने 3 पॉइंट दिए. पहला, हाउ हैव यू एक्सपीरियंस दिस एस्पेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड यू, मतलब आपने अपने आसपास ऐसा क्या देखा है, एंड व्हाट डू यू फील कि आपका रोल क्या होगा इस इंपैक्ट में, और आप कैसे देखते हो कि गांधी फेलोशिप का जो एक्सपीरियंस है वो आपको कैसे हेल्प करेगा इसमें. तो आपको जो पीपीटी बनाना है वो एक पहले इंट्रो दे दो, डेटा दे दो, फिर नीचे के एक एक जो क्वेश्चन है ना वो एक एक स्लाइड पर लेके उस क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हो इस तरीके से. तो आई थिंक 5-6 स्लाइड में रहे, 7 स्लाइड में रहे, अच्छा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. ठीक है विनीत सर. तो गुलशन कुमार पूछ रहे हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनाना होता है प्रेजेंटेशन के टाइम पे, एंड अगेन और एक सेम क्वेश्चन है कि पीपीटी का सब्जेक्ट कब मिलता है, तो दोनों को आप एक साथ ही एड्रेस कर सकते हैं. पीपीटी का सब्जेक्ट जो मिलेगा, आई थिंक आपको जैसे लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि एक दिन पहले दे रहे थे क्योंकि आपका ऑनलाइन था, इस बार आई थिंक वहीं पे देंगे आपको, और वहां पे आपको बनाना होगा. जैसे लॉजिकल रीजनिंग भी वहीं पे दे रहे हैं, तो आइदर एक दिन पहले शाम को, अगर कुछ ऑनलाइन होगा कुछ लोकेशंस पे तो, और अगर फिजिकल है तो वहीं पे देंगे आपको सामने से. तो जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन अभी हम शेयर कर देंगे ग्रुप्स में, उससे कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो आई थिंक, तो आ जाएगा. ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बहुत हार्ड नहीं है, सारे आपके लेवल के होते हैं. गजानन पूछ रहे हैं कि हम मॉक इंटरव्यू कब अरेंज करवाने वाले हैं, बिकॉज 19 फरवरी को उनका इंटरव्यू है नागपुर में. तो ठीक है, तो जो अभी हमारे एडमिन एक नंबर शेयर करेंगे, आपको फॉर्म दे दिया, फॉर्म भर दो, उसके बाद आपको एक नंबर शेयर करेंगे, उस नंबर पे आप सिर्फ मैसेज कर दो कि मेरा इंटरव्यू 19 को है, तो उसके पहले मेरा मॉक हो जाए, तो आपको अगले कल या परसों में ही हम डेफिनेटली आपका मॉक कर लेंगे, कल परसों में, एक दो दिन में ही कर लेंगे. एंड फील फ्री, मतलब उस मैसेज पे मान लो एक बार आपका अगर नहीं देखा है तो एक बार दोबारा भी आप पिन कर सकते हो, और उसके थ्रू भी आप रीच आउट कर सकते हो. कई बार क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोग करीब 100 फेलोशिप्स को केटर करते हैं अलग अलग, तो कई बार होता है कि वो मिस हो जाता है, तो आप दोबारा कर दो, ऐसा कोई बुराई वाली बात नहीं है. हो सकता है हमसे मिस हो गया हो, तो आप दोबारा में हमें याद दिला दो उसी नंबर पे. अच्छा लास्ट एक और मैं जी सर, मैं देख पा रही हूँ जैसे कि यूट्यूब से ज्यादा क्वेश्चंस अभी हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं एस्पिरेंट्स के. जी आप कुछ बोल रहे थे विनय सर. जी मैं बस ये बोल रहा था कि जैसे आपने गांधी फेलोशिप के लिए अप्लाई किया है तो गांधी फेलोशिप तो चलेगा ही, अपार्ट फ्रॉम द गांधी फेलोशिप आपको इसी चैनल पे और भी दूसरे फेलोशिप हैं डिफरेंट, तो उन सब में भी आपको रिलेवेंट अगर आपको लगता है कि मेरे काम का, तो उसमें भी आप अप्लाई करके रखो, और उसका भी सपोर्ट आपको यहाँ से मिलेगा. गांधी फेलोशिप जो स्टार्ट होगा वो जुलाई और अगस्त से शुरू होगा, तो आपके पास उतना समय है कि आप अपने 2 स्किल पे काम करिए, एक तो इंग्लिश और दूसरा आपका कंप्यूटर स्किल्स, क्योंकि ये दोनों ही आपके वहां काम आने वाले. तो जो 2-3 महीने का समय आप अच्छे से उस पर काम करिए, और फिर आप, क्योंकि तब आप पूरे फेलोशिप का अच्छे से आप फायदा उठा पाओगे बेसिकली. ग्रुप में कैसे ऐड करना है, आप इस नंबर पे मैसेज करोगे, हाय अगर भेजोगे इस नंबर से, तो आपको एक लिंक आएगा रिप्लाई में कि आप ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं, उस ग्रुप पे आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. आप अगर जूम पे जुड़े हुए हैं तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं. अगले आई थिंक 2-3 मिनट में हम इसको कंक्लूड करेंगे, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए. फिर भी अगर कुछ आपका डाउट रहता है तो आप स्टार्टिंग से इसको देख लेंगे. इंटरव्यू सेशन के बीच में ड्यूरेशन गैप क्या होगा रहेगा, आई थिंक कुछ आधे घंटे पौन घंटे ऐसे बीच बीच में रहता है. जैसे मान लो कि आपके यहाँ 10 बच्चे हैं,
तो आपका पहले लॉजिकल रीजनिंग एक साथ हुआ, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में बांट के कर दिया, फिर इंटरव्यू में दो तीन पैनल होंगे, एक एक करके होगा, तो उसके बीच में आपको समय मिलेगा, ठीक। और क्वेश्चंस में अगेन वही रिपीट कर रहा हूँ, आपके बारे में, अपने बारे में बताइए, फेलोशिप के बारे में पूछेंगे, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, पुराना जो आपका एक्सपीरियंस है उससे सवाल पूछेंगे, और कुछ केस स्टडी आपको दे सकते हैं कि मान लो ऐसा अगर हुआ तो आप क्या करोगे, ऐसा अगर हुआ तो आप क्या करोगे, उन सब के लिए बस तय यही रहेगा, इसके अलावा और कुछ रहेगा नहीं ज्यादा। कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अराउंड कुछ पूछ सकते हैं अगर पूछेंगे तो। जी, एंड वन मोर थिंग इज कि टॉपिक को लेकर के जो बने सर सवाल आ रहा, तो बेसिकली टॉपिक भी इस बार आपको उसके लिए चिंतित नहीं होना, मिल जाएगा, मतलब आपको, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक मुझे राष्ट्रीय आप लोगों ने सेशन देखा होगा, रिक्रूटमेंट टीम का भी यही था कि आपको 24 से 48 घंटे पहले टॉपिक दे दिया जाएगा, बट इस बार प्रेजेंटेशन आपका वही होगा, तो वो आपका कोई नहीं। और टॉपिक का, हाँ टॉपिक आपको 24 to 48 आवर मिल जाएगा, मतलब आपके पास समय रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कह रहा है मतलब ये दिन का, एक दिन का ही है, मतलब ये नहीं है कि आपको दो अलग अलग दिनों में होगा, एक दिन में ये सारे प्रोसेस, सेकंड राउंड पूरा एक दिन में कंप्लीट हो रहा होगा आपका, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एक ही दिन में खत्म होगा पूरा। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम मैं ये बोल रहा था, जो टॉपिक मिलेंगे 24 आवर्स पहले, तो उसका प्रेजेंटेशन बनाना जरूरी है या उस टॉपिक को सिर्फ रेडी करके हमको जाना है, पीपीटी उसके लिए नेसेसरी है क्या? ओके, तो जो भी होगा बिना से रिक्वायरमेंट रहता है, जो रिक्वायरमेंट रहता है उनका, देखो बेसिकली ये है कि आप बिना पीपीटी के भी प्रेजेंट कर सकते हो, वो तो जैसे मैं बोल रहा था कि आप कोई भी कपड़े पहन के जा सकते हो, दैट इज द लास्ट ऑप्शन, बट अगर आप पीपीटी बना के ले जाओगे, फॉर्मली प्रेजेंट करोगे, तो इट विल हैव अ डिफरेंट इम्प्रेशन, ठीक है। उनको इससे दो तीन चीज आपके पता चलेंगे, पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना आता है, दूसरा आप टेक्निकली साउंड हो, कंप्यूटर पे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है, और आप प्रेजेंट करना जानते हो, तो अगर चांस मिल रहा है आपको किसी भी राउंड में, तो आई थिंक आपको बना लेना चाहिए पीपीटी, आप बना लो, बना के प्रेजेंट कर दो, तो अगर बना सको, मतलब 1% चांस है कि भाई कोई स्थिति नहीं बन रहा है कि पीपीटी बन ही नहीं पाएगा, तो फिर आप छोड़ सकते हो, लेकिन 99.99% ट्राई करो कि पीपीटी बनाकर ही आप ले जाओ। तो विनय सर, थैंक यू सर, रूप से आए हैं, या थैंक यू। तो एक क्वेश्चन ये है कि पैनल इंटरेक्शन के बाद इमीडिएटली जो नेक्स्ट राउंड होगा, मतलब पैनल रिजल्ट आता है क्या, या फिर कोई और भी राउंड होता है? सो एक दिन का ये प्रोसेस के बाद कोई राउंड नहीं होता है, आपको फाइनली एक लेटर ऑफ इंटेंट आएगा, अगर आपका होता है तो, ठीक है, ये एक ही दिन का पूरा होता है, इसके बाद कोई और राउंड नहीं है, फाइनली यही होगा। और गौरी पूछ रही है कि सेकंड राउंड के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज होती है क्या ज्वाइनिंग से पहले? फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे आपको पहले एक लेटर ऑफ इंटेंट आएगा, यानी आपको सूचित किया जाएगा आपका सिलेक्शन है, आप एग्री है कि नहीं, तो आपको अपना सिग्नेचर और शायद फादर का सिग्नेचर लगता है वो भेजना होगा, फिर आपका एक ऑफर लेटर, कई बार इंटेंट आता है, कई बार ऑफर लेटर आता है सीधा आपके पास, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको एक लिंक भेजेंगे, वहां पे अपलोड करना है उसी लिंक पे जहां एप्लीकेशन हुआ था, उसके बाद फाइनली आपको ज्वाइनिंग का डेट देते हैं, उसमें पहले ट्रेनिंग होता है, फिर आप लोकेशन पे जाते हो। ओके, तो सोनम पूछ रही है कि जनरली सेकंड राउंड का लोकेशन क्या होगा? सेकेंड राउंड का बेसिकली लोकेशन आपके नियर बाई होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका, आपके स्टेट का कैपिटल मोस्टली, नहीं तो कोई बड़ा शहर, जैसे अगर दिल्ली में हो तो दिल्ली में ही होगा, यूपी में आप हो तो यूपी में, आई थिंक बनारस में कर रहे हैं, फिर लखनऊ में करेंगे, आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में, आई थिंक नागपुर कर रहे हैं, मुंबई में करेंगे, तो आप अगर वहां पे वेस्ट बंगाल में हो तो कोलकाता में करेंगे, तो नियर बाई आपके स्टेट में ही होता है, मतलब आपको आई थिंक 4 to 5 hours या 7 hours का जर्नी होगा, या फिर मान लो आपने लोकेशन मूव कर दिया है, आपने भरा था तब आप मुंबई में थे, अभी आप नागपुर में हो, तो आपको अगर आया है कि मुंबई का करना है, तो आपने जब मूव किया है तभी आप अगर मेल आप कर दोगे उस समय बेटर रहेगा, नहीं भी किया है तो जब आपको आया तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मैं नागपुर में हूँ तो क्या मैं नागपुर में अटेंड कर सकता हूँ या कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि अगर आप ट्रेवल करने की स्थिति में हो तो आप ट्रेवल कर लो,
क्योंकि फिर आपका डिले हो जाएगा, मतलब आपका मान लो आपको बीएचयू में होना है तो आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ वहां पे है, आपका वहां हो जाएगा, आप प्रोसेस में आ जाओगे, जल्दी हो जाएगा। आपका कहीं और है तो वो शिफ्ट करने में मान लो कहीं टीम से चूक हो गई, हालांकि ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन कभी हो गया कि भाई दिल्ली में आप कब होगा कब नहीं होगा, डिले हो जाएगा एक तो, दूसरा चूक होगी कि आपको बुला ही नहीं पाए, आपको रेगुलर पे टैप करना पड़ेगा कि सर मेरे को बुलाना है दिल्ली में। तो अगर आप कर सकते हो ट्रेवल आसान है, कर लो, नहीं कर सकते बहुत ज्यादा ही दूर है तो आप उन्हें इंटीमेट करते रहो, याद दिलाते रहो तो सर आई एम इन कोलकाता, कोलकाता में जब भी होता है मुझे बुला। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन आ रहा है होम स्टेट से रिलेटेड कि क्या होम स्टेट में वर्क हो सकता है, तो मैं बता दूं आपको कि पहले ही इसका आंसर मिल चुका है। आपको होम स्टेट मिले ये पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है, ठीक है, आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी वो लोग असाइन कर सकते हैं, कोई भी स्टेट कोई भी डिस्ट्रिक्ट। ओके तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि मैं जैसे देख पा रही हूँ कि अगर ज्वाइनिंग जुलाई में हो रहा है, उत्कर्ष पूछ रहे हैं, तो इसका फाइनल जो राउंड है उसके बाद रिजल्ट कब तक आता है, मतलब जुलाई में होगा तो क्या जून तक रिजल्ट आएगा या फिर इमीडिएटली जैसे ही राउंड फाइनल राउंड खत्म होता है उसके इमीडिएट कुछ टाइम बाद आता है? तो फर्स्ट राउंड इनका हुआ था जनवरी से जो शुरू हुआ है उसमें आ गया है रिजल्ट, सेकेंड राउंड अभी शुरू हो रहा है, जिनका सेकेंड राउंड अभी हो जाएगा उनका उम्मीद है कि मई में रिजल्ट फाइनल आना शुरू हो जाएगा, लेटर ऑफ ऑफर लेटर एंड एवरीथिंग। जून तक फाइनल आ जाता है, जुलाई में भी कुछ रिजल्ट आता है, वो नंबर ऑफ फेलोज का डिपेंड होता है, जैसे उनको अराउंड 1000 फेलो चाहिए तो स्टार्टिंग में वो करते जाते हैं, मई से सिलेक्ट करते जाते हैं, फिर मान लो बाद में नंबर रह गया तो जुलाई तक, जुलाई के लास्ट तक भी रिजल्ट देते हैं, आपको लोकेशन देते हैं, इट्स अबाउट द नंबर। तो दिस इज वही मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले अप्लाई करो, पहले इंटरव्यू अटेंड करो, जहां लोकेशन मिल रहा है वहां इंटरव्यू अटेंड करो, तो आपका पहले वो आपका जो प्रोसेस है वो पहले हो जाएगा, नहीं तो उसमें भी डिले होगा। ठीक है, तो एनईपी से रिलेटेड एक कंसर्न आ रहा है, एक एस्पिरेंट बोल रहे हैं कि अगर कोई वीडियो हो तो शेयर कर दो, अगर नहीं है तो प्लीज बना दो। एनईपी आप डालो यूट्यूब पे, डालो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ब्रीफ, ऑलरेडी बहुत सारे हैं, सारे बहुत अच्छे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आई थिंक हमारा बिलीव ये रहता है कि जब ऑलरेडी कंटेंट है अगर कोई तो रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, हमारा एफर्ट बेसिकली, हम लोग यूट्यूबर नहीं है तो ऐसे YouTube पे हमको लाइक बढ़ाना है, सब्सक्राइब करना है, बहुत उससे पैसा कमाना है, ऐसा कोई पर्पज नहीं है। जो कंटेंट वहां पे नहीं है उस कंटेंट को लाने की हम लोग कोशिश करते हैं बस। तो आई थिंक एनईपी पे बहुत इनफ कंटेंट है और उस कंटेंट से आप अच्छे से सीख सकते हो, तो वहां से आप ले लो कुछ ब्रीफ वगैरह। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अगर एक दो पेज का, दो तीन पेज का डॉक्यूमेंट कुछ ब्रीफ रहेगा तो वो हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, वी विल शेयर ऑन लिंक्डइन। हाँ, उससे आप पढ़ सकते हो बेसिकली। ओके ठीक है, आप सवाल पूछिए तब तक मैं थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ अगेन आपको। तो स्टेप एड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सोशल सेक्टर से जुड़ी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानकारी मिलती है, फेलोशिप हो, इंटर्नशिप हो, गवर्नमेंट जॉब हो या बाकी भी अपॉर्चुनिटीज हो। तो अगर आप गांधी फेलोशिप के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और बाकी किसी और फेलोशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्टेप एड इंडिया चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो लोग नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहेगा, आपको पता चलते रहेगा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। बिलीव मी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे पोस्ट होती है एंड बहुत ही ऑथेंटिक होती है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी हमने की है, आउट की है एंड अभी इस वीक में बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन भी है, 6-7 अपॉर्चुनिटीज ऐसी है जो ओपन है, उस जाइए उसको अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र की भी फेलोशिप आई है, अगर जो भी एलिजिबल है उसके लिए आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। उसके साथ ही बाकी भी फेलोशिप्स है, अगर आपका इंटरेस्ट अलग अलग डोमेन में लाइक एग्रीकल्चर हो, चाइल्ड रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो तो आप अलग अलग फेलोशिप के माध्यम से उस सेक्टर में वर्क कर सकते हैं। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ कनेक्ट रहना है। आपको डे बाय डे हर एक दिन में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है,
ठीक है, तो वीकली बहुत सारे 5-6 अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती ही है, एंड आप उसके साथ ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाती है. मीन्स कि उससे अगर कोई अपॉर्चुनिटी है उसमें ऐसे क्वेश्चंस मांगा है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन उन्होंने अगर डिमांड की है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस लिखकर हमें शेयर कर सकते हैं, हम उसको रिव्यू करके आपको बता देंगे. उसके साथ ही अगर कोई फेलोशिप है, जैसे कि चाइल्ड राइट फेलोशिप आई थी, या फिर बाकी अभी महाराष्ट्र फेलोशिप के बारे में भी हम बातचीत करने वाले हैं, अगेन एक लाइव कंडक्ट करेंगे हम आपके सारे डाउट्स क्लियर होने के लिए. तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही नहीं हम प्रोवाइड करते, उससे जुड़े आपके जो भी डाउट्स हैं, जैसे कि इस लाइव में हम क्लियर कर रहे हैं, वैसे ही हर एक फेलोशिप के लिए हम लाइव कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं. रिक्रूटमेंट टीम के साथ भी हम लोग बातचीत करते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो. तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि स्टेपर्ड इंडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि सोशल सेक्टर में आए, कनेक्ट हो. ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग एवरीवन. मैं अभी ये सेशन कंक्लूड करने जा रही हूँ. आप जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं. और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, सीवी कैसे बनाएं, रिज्यूमे कैसे बनाएं, पर्सनैलिटी कैसे ग्रो करें, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, आप जाइए देखिए एंड जो कंटेंट है उसका यूज भी करिए. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. मैं स्मिता को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप यहाँ पे कनेक्ट थी, हमारे साथ जुड़ी थी, एंड एक लवे के साथ मिलकर जो हमने ये कोलैबोरेट करके एक सेशन कंडक्ट किया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू विवेक सर, थैंक यू विनय सर, थैंक यू सरस्वती. और जो गांधी फेलोशिप में, जैसे आप यहाँ पे जाओगे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट है, यानी ये जो प्लेलिस्ट हमने बनाया है उसमें 22-23 वीडियोस हैं, राइट. तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो ऑलरेडी, अब इसमें अलग अलग वीडियो है, जैसे गांधी फेलोशिप रिक्रूटमेंट टीम के साथ लाइव है, उसके अलावा हमारा कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो हमने फेलोज के साथ किए हैं. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फेलोज ने तैयारी के बारे में, कुछ फेलोज जो सिलेक्टेड हैं उनके बारे में आप यहाँ से समझ पाओगे. पिछले साल का रिक्रूटमेंट टीम का आपका वीडियो आप देख पाओगे. तो अल्टीमेटली इस पूरे फेलोशिप में जितना भी, अब ये जो लास्ट वाला वीडियो है इसको आप अगर आप देखो, पूरा जर्नी है फेलो करते क्या है, यहाँ से आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा. यहाँ पे आफ्टर फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज क्या है, वो भी हमने रिसेंटली सेशन किया था. तो ऑलमोस्ट हम लोग हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या होता है, मतलब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. स्टिल हम लोग, आप चाहो तो कुछ और टॉपिक्स पे भी हम लोग वीडियो बना सकते हैं और आने वाले समय में आपको शेयर करेंगे. पर्पज बेसिकली यही है कि आप इस फेलोशिप में जाएं, आपको जो भी सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है आप लिखें, लेकिन आप अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करें. मतलब आप वेबसाइट पे जाओ, वीडियोस देखो, जो कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ है उसको आप देख लो. हम लोग और नया कंटेंट जनरेट करेंगे, बार बार रिपीट करने से मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, मतलब नहीं रहता, वो करो. और दूसरा सलाह ये रहेगा कि इस फेलोशिप के अलावा भी दूसरे फेलोशिप में वहां पे आप अप्लाई करो. इस फेलोशिप के लिए ये नंबर आप नोट कर लो, अगर कोई भी क्वेरी होता है तो आप उस पर शेयर करो. आप एक दो दिन के भीतर ही कोई ना कोई मेंटर आपको कॉल करेगा. दूसरा, हर संडे को 11 बजे आपको मेंटरशिप सेशन अटेंड करना है, या आप लिख के रख लो. एक ही लिंक है, ग्रुप में आ जाता है, एक ही लिंक आप सेव कर लो, स्टार मार्क कर लो. 11 बजे आपको टीम मिलेगी, 11 से 12 हर संडे कुछ भी आप पूछ सकते हो, कोई भी बातचीत कर सकते हो, फिक्स है, हर संडे में होना ही होना है. बाकी बीच में हम लोग सेशंस करते रहते हैं. तो थैंक यू सरस्वती फॉर यू, और एकलव्य को भी बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, और ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा फेलोशिप है, और ये फेलोशिप ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा वैकेंसी है, अराउंड 1000 फेलोज ये लोग लेते हैं. तो आई थिंक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप इसमें जाके और अपने फेलोशिप को एक्सप्लोर कर सकते हो. बट ध्यान यही रखना है कि आपको सीखने के पर्पज से जाना है फेलोशिप है. हर जगह कमियां बहुत सारी होती हैं, आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको एक्साइट करता है, आपको लगता है कि मेरे लिए ये है, मेरे लिए अच्छा है, तभी आप जाइए, तो आप उसका बहुत अच्छा आउटकम वहां से ले पाओ. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच. या थैंक यू सो मच.